पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। अल्लाह करे कि जैसी ईद ये है ऐसी ईद फिर ना हो, ये दुआ मैंने आपको कभी भी नहीं दी। जाहिर है इस वक्त हम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह ईद सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि हम सेहतमंद हैं, हम सलामत हैं और हमें ये ईद देखने का मौका मिला। वैसे अगर हम ईद की बात करते हैं तो इस ईद पर आपको चूड़ियों की कनकनाहट नहीं बल्कि जो जानवर हैं उनके झुंझुनू की आवाज़ सुनाई देती है। इस ईद पर आपको मेहंदी की खुशबू नहीं बल्कि बारबेक्यू की खुशबू सुंघाई देती है। इस ईद पर आपको मीठे की क्रेविंग नहीं होती बल्कि आपको कुछ नमकीन खाने का दिल चाहता है, कुछ मसालेदार, कुछ चटपटा खाने का दिल चाहता है। दूसरों के जोड़ों पे इस ईद पे नज़र नहीं जाती क्योंकि इस ईद पे तो हर कोई इतने ख़राब हालात में होता है, किचन में खाने पक रहे होते हैं। इस ईद पर नज़र जाती है कसाई कैसा काम कर रहा है, कैसे गोश्त के हिस्से कर रहा है, क्या चर्बी सही निकाली है या नहीं। तो ये ईद पिछली ईद से, छोटी ईद से मुख्तलिफ होती है। इस ईद पर आपका सारा टाइम ईदी बांटने पे नहीं गुजरता बल्कि आपका सारा टाइम गोश्त बांटने पे गुजरता है। जहाँ इतना मवाजना हो रहा है तो लड़के और लड़की के कंपैरिजन के बगैर मैं कैसे अपना इंट्रो कंप्लीट कर सकती हूँ। हमेशा यही मुकाबला रहता है, लड़के कहते हैं कि हम ज़्यादा काम करते हैं इस ईद पर, लड़कियाँ कहती हैं कि तुम लोग क्या काम करते हो जी, गोश्त वोश्त कटवाया कसाई को हमारे हवाले करके तुम लोग सोने चले जाते हो। अब गोश्त के हिस्से कैसे कराने हैं, कौन सी बोटियाँ कैसे बनवानी है, खाने में क्या बनना है, कौन से मसाले डालेंगे, ये सारा काम हमारा होता है। और फिर तुम लोग मज़े से जो तुम्हारा कुर्ता होता है वो हैंगर पर टांग के सोने चले जाते हो। फिर तो होती सारी जिम्मेदारी खवातीन की, ना हमें सजने का मौका मिलता है, ना हमें सवरने का मौका मिलता है, हम तो सिर्फ मज़े मज़े के खाने बनाने के लिए किचन के अंदर बंद होकर रह जाते हैं। तो जनाब कंपैरिजन चलता रहेगा लेकिन सच्ची बात है खवातीन के बगैर भी कोई रौनक है ईद की। जब हम पूरे खाने बना के तैयार होके आते हैं, असल ईद तो हमारी तभी शुरू होती है। तो जनाब आज भी मैं ईद पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक फन पैक शो, और ज़रूरी है इस ईद पर, ये जो ईद है इस ईद पे बहुत ज़रूरी है आपको एक अच्छा मज़ेदार शो दिखाना ताकि आप लोग रहें घर पर। पिछली ईद पे देखा क्या हुआ, कितनी मुलाकातें की और कितना कोरोना इधर उधर स्प्रेड किया है ना। तो इस दफ़ा ये नहीं करना है, हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखना है और इस वक्त हम घर पे रहेंगे, वो जो गोश्त है उसको बांटना है तरीके से, और उसके बाद जो आपका हिस्सा है उस गोश्त को घर में खुद ही कर लें पार्टी। अगर आप 5 अफराद हैं कर लें अपने बच्चों के साथ में कि बारबेक्यू क्या होगा, बच्चों को सिखा दें भाई ऐसे बारबेक्यू बनता है, ऐसे मसाले लगते हैं, और साथ साथ देखें TV, इतने मज़े मज़े के प्रोग्राम्स आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो क्यों इधर से उधर जाना। SOPs का ख्याल रखें ताकि जल्दी से हम कोरोना को दूर भगाएं और फिर से हम मिलें गले, फिर से हम 3 बार गले मिलें, फिर से हम हाथ मिलाएं। हम मिस करते हैं ये चीज़ें और इस ईद पर भी मिस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अगली ईद ऐसी नहीं होगी, इस दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। हाँ जी, तो ये जो फन पैक शो है इसका एक थीम है, और वो क्या है, कभी ऐसा होता है कि लाहौर वाले ख़ास अपने रिश्तेदारों के पास कराची आते हैं ईद करने, और कभी ऐसा होता है कि कराची वाले ख़ास अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर जाते हैं ईद करने, तब उन्हें जाके पता चलता है कि कराची और लाहौर की ईद का फ़र्क क्या है। वैसे तो हमारे सारे सूबे सारे शहर हमारे लिए बराबर हैं, मगर आज कुछ थीमेटिक सा शो है, और वो ये कि एक तरफ होंगे लाहौर वाले और एक तरफ होंगे कराची वाले। पूछना उनसे ये है, देखना ये है कि ज़्यादा ईद किधर, किस शहर में मज़े से मनाई जाती है। अब जाहिर है हमें आदत है कराची की, हो सकता है कि हम लाहौर जाके ईद मज़े से मना ना सकें, और लाहौर वालों को आदत है लाहौर में ईद मनाने की, तो उनके अगर उनको मजबूरन शूट के लिए या किसी काम के लिए कराची आना पड़ा और वो फंस गए हों तो उन्हें मनानी पड़ेगी ईद इधर। तो देखते हैं कि आज का मुकाबला इस ईद पर कौन जीतता है, लाहौर वाली टीम या कराची वाली टीम। तो जनाब इसी बात के साथ मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ईद मुबारक पाकिस्तान,
मिलेंगे आपको गिफ्ट में बहुत सारे खूबसूरत सेलिब्रिटीज के फेसेस आज इस शो पे, और फन पैक शो देखने के लिए तैयार रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। तोहफे शुरू हो गए हैं ईद के, जो मैं आपको अपने शो पे देने वाली हूँ, और एक एक आम इंसान के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा कि वो सुबह सुबह जब अपने घर पे बैठे मज़े मज़े से कलेजी खा रहा हो तो उनके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट सामने टीवी स्क्रीन पे नज़र आए मस्तियां करते हुए, अपनी ईद के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हुए। तो अभी जिस गेस्ट को मैं दावत दे रही हूँ, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो गारंटीड होते हैं कि जब वो आपके शो पे आएंगे तो शो बुरा हो ही नहीं सकता। और ये गेस्ट जिनको मैं अभी दावत दे रही हूँ, ये ना सिर्फ शो पे आते हैं तो गारंटीड होती कि शो अच्छा होगा, बल्कि ये जिस ड्रामे को चुनते हैं एक्टिंग करने के लिए, वो ड्रामा भी गारंटी होता है कि अगर हम उसको अपना टाइम देंगे तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जवान कर दो, बूढ़ा कर दो, लड़का बना दो, होस्ट बना दो, एक्टर बना दो, ये सारे नगीने जो फिट होते हैं वो अंगूठी कोई और नहीं, फैसल कुरैशी। आइए वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? मैं वैसे ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है वापस घर आ गए। वापस आ गए हैं? हाँ। ये वही जगह है जहाँ आपने कितने कितने साल किया आपने मॉर्निंग शो? 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ। और कितने साल तक हमारे शो पे आप गेस्ट नहीं आए ईद पर? हाँ, क्या करूँ, तो मैं वो अपना शो कर रहा होता था तो, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से मैंने एक या दो तो किए हैं। 4.5 साल से आप हमारे शो पे नहीं आए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेकिन जो आज आए आप उसका मैं डबल थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त सब बहुत ख्याल कर रहे हैं और देखे ना हम कितनी काफी दूर दूर खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब के हमें पता है कि टू शॉट बनने में मुश्किल होगी। हाँ, लेकिन कोई नहीं, क्या करें, जरूरी है मेरे ख्याल से। अब इसी चीज के साथ जीना होगा, काम करना होगा। न्यू नॉर्मल। एग्जैक्टली। क्या तैयारियां, ये ईद आपकी कैसे मुख्तलिफ है बाकी सारी ईद? इस ईद पे काम कोई नहीं है, बाकी ईदों पे बहुत काम होता था, बिकॉज मैं खुद काटता हूँ, लोगों ने मेरी तस्वीरें देखी हुई हैं। खुद ज़िबा करते हैं? जी, मैं खुद ज़िबा करता हूँ, खुद खाल उतारता हूँ। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब मेरे घर पे कसाई आते हैं तो हम मिल के सारा कुछ करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, सुन्नत इब्राहिमी है, सो मुझे अच्छा लगता है कि उसको मैं खुद अदा करूँ, जो कि तरीका कार है। ये ईद, ये मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरी आयत मेरे साथ होती है। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ। ये बकरा ईद मुख्तलिफ भी है इसलिए कि आपके घर एक नया मेहमान आ चुका है, एडिशन हुआ है बिल्कुल, फैमिली उसकी की पहली ईद है। और कितने बड़े हो गए हैं वो? 6 महीने का, माशाल्लाह से 6 महीने के माशाल्लाह। और लेकिन मसला ये है कि इस दफा हम उस तरह से कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। मैंने एक फलाही इदारा है, मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि आप लोग कुर्बानी कर लें, और आप वैसे भी हम लोग घर पे गोश्त नहीं रखते थे। अच्छा। I don't have any deep freezer at home। हाँ हाँ। कोई deep freezer नहीं है मेरे घर पे, तो वो बिल्कुल सारा उसी वक्त बढ़े आता था। तो अच्छा, सच्ची बताएं, आप तो मतलब कराची में भी इतने अरसे रहे, लाहौर में भी रहे, तो लाहौर और कराची की ईद में क्या डिफरेंस पाया है आपने, क्या फर्क है? लाहौर में जो मुझे एक चीज नजर आती थी, मिलना जुलना लाहौर में बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, लाहौर में जब आप कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वहाँ टेबलें जुड़नी शुरू हो जाती हैं अगर दोस्त मिलने शुरू हो जाएं। अच्छा, ये दोस्त मिल रहे होते हैं, अरे यार क्या हाल है, ये वो, जैसे यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपसे मिलूंगा, क्या हाल है? हाँ, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं जाके अपनी टेबल पे बैठ गया, आप जाके अपनी टेबल। लाहौर में ये नहीं होता। अच्छा, लाहौर में टेबलें जुड़नी शुरू हो जाती है। बिल कौन देता है फिर? बिल मिला के दे देते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ जरा थोड़ा वो जमीनीपन ज्यादा है, गर्म जोशी ज्यादा है। हाँ, है ना, जमीन जमीन ज्यादा है। यहाँ पे जरा हम लोग थोड़ा फास्ट लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ। हर कोई बिजी है, किसी ने जल्दी खाना खाना है, कोई बहुत सारे मिलते भी हैं लेकिन मिलना नहीं चाह रहे होते। हाँ। पर उसके बावजूद भी मिल रहे होते हैं।
तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आप कह लेंगे वो है, बाकी वो वाली दोस्तियां नहीं हैं जो वहाँ होती हैं, पर हैं कुछ जो ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ बने हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। उसी तरह कुछ दोस्त जो आपके हैं वो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज, जो हमारे पब्लिक के फेवरेट सेलिब्रिटीज हैं, उन सबको मैंने अंडर वन रूफ जमा किया। इन सबकी आपस में भी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं। अब जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, इन्होंने देखते ही देखते अपना बड़ा नाम बनाया, और पहले ही ड्रामे में जब आई थी तो लग रहा था कि बड़ी प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी थी, तो हैरान रह गए सब देख के कि ये तो नई लड़की आई है और ये कैसे छा गई। और अब तो हर तरह के रोल्स अदा करने में माहिर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, ये कोई भी रोल अदा करने से नहीं कतराती। आइए इस ईद के मौके पे हम उनको वेलकम कर रहे हैं अपने शो पे, बड़े मेरे ख्याल से 2 साल बाद मेरे ईद के शो पे आएंगी वो। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड उष्णा शाह। भटके कदम महका है जैसे रूं, ना ही सोचा ना ही समझा, बस करने को चला, अभी तो मन मेरे पास था, कब बैका कब टला, बिना बोले जो नजर कह जाए, वाले वाले दिल को दिल से मिलाए, जाने जाना मुझे मुबारक। हम क्या करें, हम वो जो ईद के गले जो मिलते थे वो हम ऐसे ऐसे कर लेते, क्या करें। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये ईद जो है ना, ये सही वाली कुर्बानी की ईद है, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं और अपने काम कर रहे हैं इस वक्त जो हालात है उसमें, ये भी बहुत एक बड़ी बात है। तो मैं इसलिए सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ जो यहाँ गेस्ट आप भी कर रही हैं। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी कैसी ईदें गुजरती है? तुम्हारा बचपन कनाडा में गुजरा है ना? मेरा बचपन कनाडा में गुजरा, सो आज सच कुर्बानी नहीं होती थी। अब आपको मेरा पता है, मैं जानवरों को लेकर थोड़ी सेंसिटिव हूँ, सो मैं अक्सर बड़ी ईद पे मुल्क में नहीं होती हूँ। मैं अपनी हॉलीडेज ऐसे प्लान करती हूँ कि मैं यू नो कहीं और हूँ। मैं यूजुअली लंदन में होती हूँ अपनी बहन के साथ, तो और इस बार मैं नहीं जा सकी, और मेरी पूरी फैमिली वहाँ है। पूरी फैमिली लंदन में और तुम इधर हो, तुम स्टक हो गई या जान स्टक हो गई बिकॉज़ ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, सो आई एम हियर। तो तुम इस वक्त तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं इस ईद पर, और तुम्हारे फैंस तुम्हारे साथ हैं जी, है ना? सबसे बड़ी चीज तो ये। प्लीज आओ, प्लीज आओ। थैंक यू सो मच। हां जी, तो मैं नेक्स्ट गेस्ट जो जिनको वो कहते हैं कि जोड़ीदार जहां फैसल वहां एजाज, ये वो एक्टर हैं जो देखते ही देखते 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 कमाल करते गए, और मॉडलिंग से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। फिर जब ड्रामे में आए तो सब कहने लगे अच्छा लुक्स की वजह से आया है, और आते आते उन्होंने ये प्रूफ कर दिखाया कि मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं विलनिश कैरेक्टर भी कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव रोल्स भी कर सकता हूँ। आइए वेलकम करते हैं फैसल और एजाज, एक दूसरे के जोड़ीदार। एजाज असलम, ईद मुबारक। हम सब एक दूसरे से इतना डर रहे हैं भाई। नहीं भाई, हम तो नहीं डरते भाई, मुझे नहीं है कोरोना। आप कैसे हैं एजाज? बिल्कुल ठीक। मेरी ईद, हमारे ARY की ईद, हमारे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की ईद एजाज के बगैर अधूरी होती है। हाँ, और इस दफा तो हाथ नहीं आते, इस दफा कुछ ओवरडोज हो गई है मेरी ARY पे। इस वक्त आप टीवी खोलेंगे सुबह तो एजाज, फिर क्या होगा एजाज? फिर मेरे 2 सीरियल और हाँ। एक टेलीविजन। हेलो, एक में मैं भी हूँ, तो एक पे हम दो हैं जी। तो ARY का लोगो नहीं चलेगा एक्चुअली, हमारे मुंह लगे हुए होंगे। वो पता उसकी वजह, उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये हुई कि हमने कोविड से पहले शूट शुरू की थी, और कोविड की वजह से शूट्स रुक गई थी सारी, तो 3-4 महीने शूट्स नहीं हुई। जैसे ही फिर काम स्टार्ट हुआ, सब ने एक साथ शुरू कर दी, और चैनल्स के पास ऑब्वियसली ड्रामे भी खत्म हो गए थे, तो सब एक साथ होने रहे, सब बिजी हो गए, तो ये चक्कर हुआ। ये वाली नए ड्रामे कोई मिल ही नहीं रहे, लेकिन लेकिन सब बहुत काम कर रहे हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, और सब SOPs का ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। तो जी, मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ। नेक्स्ट गेस्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, लेकिन मज़ेदार बात ये कि इन्होंने एक्टिंग भी की है, और वो भी फैसल के साथ एक्टिंग की। आपके साथ भी की है? ओए होए होए, मेरे साथ नहीं की अभी तक। मेरे साथ सीरियल हुआ है पूरा, मेरे साथ भी सीरियल ही था।
हाँ तुम्हारे साथ। अच्छा, इसका मतलब दो सीरियल्स किए उन्होंने अलग अलग। हाँ अलग अलग, लेकिन पहले मैंने किया था। और ऑब्वियसली उष्णा के साथ वो एज अ होस्ट थी और तुम एज अ गेस्ट उनके शो पे भी गई हो। उष्णा के साथ मैंने नहीं किया। तो बहुत टैलेंटेड होस्ट है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनके हुस्न की भी हर कोई तारीफ करता है और मुझे समझ नहीं आता कि ये जो खूबसूरती है इसका राज क्या है। ये जब से हम देख रहे हैं ये ऐसी की वैसी हैं, माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन जो खूबसूरती इन्होंने मेंटेन किया आई डोंट थिंक सो कोई और मेंटेन कर सकता। आइए, समझ गए होंगे मैं कितनी तारीफ, इतनी तारीफें किसकी कर रही हूँ, कोई और नहीं, शाइस्ता लोधी। थोड़ा सा निशाना मिस हुआ, अगले का मुंह फट जाना है, ये गलत है। कैसी हो शाइस्ता? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया ईद पे बुलाने का। ईद मुबारक पाकिस्तान, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। ये वहाँ से आवाज़ आई, पाकिस्तान की आवाज़ आज ऐसी नहीं हो सकती। सबके यहाँ कुर्बानियाँ हो रही होंगी वैसे इस वक्त। नहीं, हो चुकी होंगी ना, अभी तो सुबह सुबह लाइन लगी होती है ना कसाईयों की, भाई 7 बजे 8 बजे से शुरू हो जाते हैं भाई। हाँ हाँ, 7 बजे से भाई, जितना पहले हो जाए उतना बेहतर, उतना बेहतर है ना, कलेजी टाइम पे मिल जाती है। शक्ल देखने वाली है, कलेजी की बात करें हम, उसकी थोड़ी बात करें जो कटता है। मैं तो पकाता भी खुद हूं कलेजी। हम वो थोड़ी कह रहे हैं उष्णा कि उसको उसके उसके पैर बांध के उसको कटता है। अल्लाह माफ करे। अच्छा, मर्द अक्सर कलेजा ही पकाते हैं और औरतें ब्रेन। हाँ ये तो है। कितनी बारीक बातें करने लग गई हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। मॉर्निंग शो छोड़ा है ना? बिल्कुल। अच्छा, शाइस्ता के घर में क्या पकता है सुबह सुबह, ब्रेन या कलेजी? मुझे फिटे मुंह किस्म का खाना बनाना आता, अगर मेरी माँ ना होती तो मेरे घर में बाकी लोग भूखे मर जाते कसम से। नहीं तो मैं तो तुम्हारी देखती हूँ, तुम्हारे जो यूट्यूब वीडियोस है उसमें तो ऐसे थोड़ा मोड़ा 5 मिनट वाला काम ये मैं बहुत कर लेती हूँ। बकरा ईद पे तुम सिर्फ मेहमान, मुझे सिर्फ बातें बनाना आती है। बकरा ईद पे नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है जो खवातीन होती है, क्योंकि छोटी ईद पे उन पे बहुत जिम्मेदारी होती है, बकरा ईद पे वीआईपी होनी चाहिए, जो बीवी है या घर पे जो क्या भी औरत। प्लीज सुनना जरा, प्लीज ये वाली जो इसको उसको प्लास्टिक कोटिंग करा ले। हाँ, इस प्लीज को रिप्ले। हम दोनों तो यही कर रहे होते हैं, पूछ लो। मैं तो खाने भी पका रहे हैं, कुर्बानी भी कर रहे हैं, सारा कुछ ईद पे खुद कर रहे हैं, खुद करता हूं मैं। तो एक कुर्सी लगा के एक बंदा बैठ जाता है, कहता है हां भाई हां हो गए हां, और अंदर पहुंच जाओ बेटा, जरा अंदर किचन में पहुंच जाओ, ये काम होता है। ये तो कह रहे मैं खुद करता हूं भाई ज़िबा, ज़िबा भी करता हूँ और कलेजी भी खुद पकाता हूँ। चख चख नहीं करनी पड़ती ना, दिन ये लगा रहता है। ये बात बिरयानी भी पकाता हूँ, सना ठीक है। ये बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन हमारे पास आज सेट बड़ा है इस बकरा ईद पे। छोटी ईद पे जरा सा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, छोटा सा सेट, लेकिन हमारे पास गेस्ट भी ज्यादा है। हमारे पास जो अब हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो आने वाले ऑन स्क्रीन, ये तो बड़ी बड़े बहुत ही पक्के एक्टर है, मैं कहती हूँ, जैसे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं ये, बहुत प्यारे एक्टर हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड अली अब्बास। बकरा ईद हमेशा तो बहुत हेक्टिक होती है, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा नहीं रही थी, बिकॉज जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम लोगों ने जरा केयर की। अच्छा जी, तो आप भी उतने सपोर्टिव होते जितने अभी फैसल और एजाज कह रहे हैं जमानी, मुझे इनकी बेगमात से पूछना पड़ेगा, क्या घर में आप उतने ही सपोर्टिव होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक घर में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं ही होता हूँ बकरीद पे, खास तौर पे बकरीद पे खास तौर, क्योंकि आप लोग तो छुट्टी मिलती है ना इस वक्त, आप कहते हैं हम तो भाई रेस्ट कर रहे हैं जी। हाँ हाँ, मुझे पता है सारे मर्दों के तो हम पूरे जिन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपने बतानी नहीं है यहाँ नहीं, नहीं बता। हाँ जी, तो वो जो गोश्त के हिस्से और वो सारी चीजें, वो आपकी जिम्मेदारी होती है आपकी बीवी की? नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, मेरी जिम्मेदारी होती है उसको सर्कुलेट करना। अच्छा जी, तो और कुछ ख्वाहिश होती है आपकी, जो फरमाइश होती है कि ये वाली चीज तो जरूर बनेगी भी? रान
हाँ अच्छा, क्या लाहौर में भी कराची वाली रौनक होती है ईद पर या ज्यादा होती है उससे? नहीं, मुझे लगता है कि इतनी होती है, ऐसी होती है, तकरीबन कल्चर्स एक जैसे ही हैं, कुछ खास फर्क मुझे एक्चुअली आज हमारे जो प्रोग्राम का थीम है वो है कराची एंड लाहौर। तो हमारी जो दो टीम्स बनेंगी उसमें तीन लोग होंगे कराची से और तीन लोग होंगे लाहौर से। तो अगर चार कराची के, तो हम दोनों, आई एम लाहौर 100%। हम बहस नहीं करते, हम अपनी अगली गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हमारा कोरम पूरा हो जाए। जो मैं अगली गेस्ट के बारे में आपको ये कहूंगी, अक्सर मॉडल्स आती हैं, वो अपनी जगह बनाती हैं, बड़ी प्यारी लग रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन जब कभी कभार वो एक्टिंग में आती है, हम कहते हैं यार पता नहीं एक्टिंग कैसे करेंगी, मॉडल मॉडल हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन जब ये आई शोबिज इंडस्ट्री में मॉडलिंग के बाद और ड्रामे में एक्टिंग की तो हैरान कर दिया सबको कि जी ये बात गलत है कि मॉडल अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो सकती। ये प्रूफ कर चुकी है टैलेंटेड सहीफा। ये गरम जोशी से मिलती है मुझसे हमेशा, जब भी मिलती है, जहाँ भी मिलती है, हालांकि हमारी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं, लेकिन इतनी वार्मथ है तुम्हारे अंदर कि मजा आता है मिलने। ईद मुबारक आपको भी, आपको भी। तो आप लाहौर वाली पार्टी है? हाँ, मैं सुन रही थी लड़ाई हो रही है, मैं लाहौर वाली पार्टी हूँ अभी। यहाँ हमारे शो की टीम में कराची वाले एक तरफ है और लाहौर वाले एक तरफ है, ठीक है ना। ब्रेक में जाने से पहले मुझे सहीफा ये बताएगी कि सहीफा बकरा ईद खास तौर पर, बड़ी ईद इज ऑल अबाउट फूड, तो फूडी हैं आप, खाने की शौकीन? बहुत शौकीन हूँ, और मैं सेट के ऊपर बहुत खाती है, मैं बहुत, मैं इसको सिर्फ आगे कहता हूँ, मुझे नफरत है तुमसे। क्यों? इतना खाती है क्योंकि मैं खाती हूँ और मुझे देसी खाना पसंद है। आई ईट एवरीथिंग। ओहो, और मुझे, और एक्सरसाइज करती हो? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ये कुदरती, तुम्हें कुदरत ने तुम्हें तोहफा दिया जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं लगता, मतलब सो लकी। लेकिन मैंने तुम्हें, तुम्हारी एक्टिंग देखी, तुम्हें रोते हुए देखे, तुम इतनी रोते हुए क्यों, मुझे रोना आ जाता है तुम्हें देख के। मैं चार महीने से रोते हुए देख रहा हूँ उसको, और रोती हूँ तो तुम अपने होंठ और मोटे कर लेती हो ऐसे करके, बहुत क्यूट लगता है। थैंक यू, बट वो एक्चुअली आई थिंक हो जाते हैं, इंटेंशंस कोई नहीं होती, बट व्हेनेवर आई क्राई आई गो ऑल रेड और हो जाते हैं। हाँ, लाल इतनी हो जाती हो ना, मैं कहती हूँ यार क्या क्या रोती है, लेकिन मैं इसको आज रुलाऊंगी नहीं, इसको हंसाऊंगी। हंसते भी कैसी लगती है सहीफा, ये आज हम जान पाएंगे। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, एक तरफ है कराची वाले, एक तरफ है लाहौर वाले, और बीच में मैं, एक्चुअली मैं भी कराची वाली हूँ, लेकिन मैं इस वक्त जज हूँ, मैं इस वक्त जज हूँ। हाँ बिल्कुल, आप इस्लामाबाद वाली हैं, मैं इस्लामाबाद वाली बन जाती हूँ। तो जनाब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जबरदस्त फन पैक शो आपका इंतजार करें, कहीं मुझे बताए कहाँ जाएंगे, कोई कोई है ही नहीं जाने के लिए, यहीं रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। एक तरफ है लाहौर, एक तरफ है कराची, वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन यहाँ आज ईद के मौके पे थीम कुछ ऐसा है कि एक तरफ है कराची वाले और एक तरफ है लाहौर वाले। उष्णा को देखते हैं, तुम कराची के बारे में कितना जानती हो, शाइस्ता एजाज और उष्णा कराची वाली चीजें बताएंगे और आप लोग लाहौर वाली। मैं पहला सवाल यहीं से शुरू करती हूँ, घूमने की जगह लाहौर में? यस, किला है। ओके, एक ही बतानी है। हाँ सहीफा, घूमने की जगह? मीनारे पाकिस्तान, किला बादशाही, लिबर्टी मार्केट। ये बड़ी घूमने की जगह। ओके ओके, कराची में घूमने की जगह? कायद आजम का मजार। उष्णा? मक्ली नेक्रोपोलिस। ओके, कराची में नहीं है वो, मशहूर खाने कोई एक एक बता, बस एक 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 बता ना। खजरे के पाए, कराची की है निहारी भाई, चिकन कढ़ाई, बट की कढ़ाई, बट की कढ़ाई। ओके, यहाँ की कराची मशहूर, कराची निहारी और बिरयानी स्पेशलिटी है। ओके उष्णा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है कराची? बर्न्स रोड का कुछ भी। हाँ, बुंदू खान, बुंदू खान। ओके, एक्टर्स लाहौर के एक्टर्स? फैसल कुरैशी। पहले ही बोल गए जी, फैसल कुरैशी क्या बोलेंगे? नुमान एजाज। हाँ जी, मैंने बोलना था अपने वसीम अब्बास। हाँ, घर भी जाना है। कराची के एक्टर्स? एजाज असलम। ओए बोलो बोलो, एजाज असलम, पूछना जा। अब ये पक्की कराची की हो गई है। नहीं, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, लेकिन नहीं उष्णा शाकोटा है। लेकिन बुशरा, आप हूज फ्रॉम हियर? शी फ्रॉम लाहौर। सारे एक हैं, हूज फ्रॉम कराची, ऑल द गुड वंस आर फ्रॉम लाहौर एक्सेप्ट फॉर यू गाइस। अरे अरे ऐसे नहीं कहो, कराची में सब निकल जाएंगे। तुम सानिया सईद।
लाहौर के बाजार, इछरा बाजार, अनारकली गए नहीं बाजार, बीवी को बेचने मेन मार्केट, लिबर्टी मार्केट, गालिब मार्केट, फिरदौस मार्केट, ये सब कराची बोरी बाजार है। नहीं बोरी बाजार हाँ, बहुत से सदर, सदर हाँ, जामा क्लॉथ ओके। अच्छा लाहौर के करीब जो छोटे शहर हैं जो मशहूर हैं उनके नाम, सियालकोट ससुराल है ना मेरा, फैजाबाद मेरा ससुराल है, कसूर, और कराची के करीब जो शहर है, हैदराबाद नहीं, लाहौर से ये तो जो जहाँ फंस रही है ये लाहौर से मैं दो शहरों के नाम ले लेती हूँ। हाँ नवाबशाह, नवाबशाह बहुत दूर है, घारों सखर, घारों ये रहा ठट्टा, तो मैं क्या करूँ कराची के करीब, मुझे तो लगता है उसने बता दिया, मतलब कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल रख लो यार, मैंने इतने साल मॉर्निंग शो किया, मैं हार गई तो बहुत ही बुरी बात है, मैंने भी किया है हाँ 9 साल। अच्छा ओके देख लेते हैं फिर। अच्छा लाहौर में दिए जाने वाले तोहफों के नाम खास तौर पे, खलीफा की नान खटाई, ओके गुड, वो तो इजाज़ मुझसे भी मत बताना, आप भी सोचे, आप भी तो बताएं दोनों, निराला स्वीट, ओके बक स्वीट, रबड़ी स्वीट, कराची में दिए जाने वाले तोहफों के नाम खास तौर पे, कराची वाले तोहफे नहीं देते, क्यों नहीं देते, ऐसे अच्छा है, हैदराबाद की चूड़ियां क्या, हैदराबाद की चूड़ियां, रबड़ी, रबड़ी, बंस रोड की कुल्फी, ओके, और बॉम्बे बेकरी का केक यार, हैदराबाद बॉम्बे नट्स एंड स्वीट्स के नट्स एंड स्वीट्स, लोग लाहौर से शीरमाल मंगवाते हैं, लाहौर नहीं कराची, लाहौर से मंगवाते हैं ना कराची से ही, यू टीम कराची राइट नाउ, लाहौर में लोग शीरमाल कराची का मंगवाते हैं, कराची के जो तोहफे हैं, आपकी टीम मेंबर की तो उर्दू भी खराब है, कोई बात। अच्छा लाहौरियों का गुस्सा करने की वजह खास लाहौर में होता है ना कि ट्रैफिक पे या किसी और चीज पे, किन बातों पे लाहौरियों का गुस्सा करना, वक्त पे खाना ना मिलना, वक्त पे खाना ना मिलना, शरीफा ये खाना वाली एक्चुअली बात है, सबसे पहले मुझे कहनी चाहिए थी, मैं तो खाने, अब तो उसने कह दी ना, अब कुछ और बताओ, बात मुझे दे दे, मैं खाने के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, ये खाने वाली बात, अच्छा चलो खाने की तुम ले लो, आप बताओ, ये नहर पे नहाने पे जब पाबंदी लगती है, आप अली अब चेंज करें बात, कोई और बताएं, चलान होता है वहाँ पे अब रेगुलरली, तो उस पे गुस्सा आता है, उस पे गुस्सा आता है, कराची में, कराची में भी ड्राइविंग के वक्त हर कोई गुस्से में होता है ट्रैफिक, हाँ बताओ, इन्होंने मेरी हेल्प की थी, जब बारिश होती है थोड़ी सी भी और जो पानी जमा हो जाता है उस पे गुस्सा आता है, और शायस्ता यही ना, हम लोग सब बहुत जल्दी में है मेरा ख्याल, ट्रैफिक को देख के यही लगता है, और पानी जो नहीं आता, बिजली भूल गए, पानी नहीं आता बिजली, हाँ ये वही तो परेशान हो रही है, आप लोगों की बिजली नहीं जाती लोग, अब आदत हो गई है ना तो इसलिए अच्छा लाहौरियों की लाहौर से प्यार करने की कोई खास वजह, खाने, सफाई, आप कराची वाले आप क्यों बोल रहे हो, मैं बता रहा हूं वहां की सफाई है, ग्रीनरी, बारिश, वहां की बारिश, एटलीस्ट हर है, सर्दी, कराची वाले तुम लोग बताओ भाई, कराची से प्यार करने की वजह क्या है, कराची की रातें, ओए होए, समंदर, हाँ समंदर, तुम भी बता दो, लोग काम करते हैं सुबह उठ के, चार मगज के नाश्ते नहीं करते लाहौर में, यहाँ मैंने इनको लड़वाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बुलाया, यहाँ मैंने ईद मनाने के लिए बुलाया है, और ये लाहौर और कराची हम इसलिए करें कि लाहौर भी वाले भी हमें देख रहे हैं, पंजाब वाले कराची भी हमारा है, सिंध वाले खेल रहे हैं यार, ये हम खेल, लड़ना नहीं भाई बाद में, हाँ बाद में ये नहीं होगी चैनल चेंज कर दो, ये तो कराची की बुराई हो रही है, ये तो लाहौर की बुराई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, चलो हम ईद पे बातें करते हैं, ठीक है ना, हाँ भाई ईद, बचपन की ईद, जवानी की ईद, और अब बच्चों के बाद की ईद, सब एक जैसे, ये सारे सवाल पहले मुझसे क्यों हो रहे हैं, भैया बचपन की ईद बेफिक्र थी, मजे थे, ईदी मिलती थी ऑब्वियसली, जवानी की ईद अय्याशी थी, बहुत अय्याशी थी, घूमना फिरना, नहीं बहुत बहुत क्यों कही, दो के मैंने जवानी देखी नहीं है उस तरह से, काम करते रहे, मैं काम कर रहा था उस वक्त, कुछ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी,
जवानी मैंने देखी है कोई 10 साल या 5 साल पहले से, सो मैं अब उसको ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। तो बच्चों के बाद वाली ईद ही समझ लें, वो मेरी जवानी वाली ईद में शामिल हो जाती है। जो बच्चों की बाद वाली ईद है आपको लगता है वो बेस्ट ईद है? बेस्ट ईद है। सईफा, तुम्हारी तो अब जाहिर है अभी तो तुम्हारी चल रही है ना बचपन की ईद और शादी के बाद की ईद। बचपन की ईद में आई थिंक वही है कि हमें तब ईद ही मिला कर, क्या बोल रहे हैं? कह रहे बचपन ही चल रहा है। हाँ मेरा तो बचपन ही चल रहा है, हमने सवाल गलत किया है। नहीं एक्चुअली हाँ यही था, बचपन में एटलीस्ट ईद ही मिलती थी। हाँ। अब ये है कि एक तो शादी वाला टैग भी है, फिर ये भी है कि अब कमाती हो तो ईद ही निकालो। ईदी अब ज्यादा मिलती है या बचपन में मिलती थी? अब मियां से लेती होगी अपने ईदी। हाँ है ना, लेकिन ईदी का मजा नहीं आता क्योंकि वो अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ओहो। वो मजा तब आता था बचपन में जब वो अकड़े हुए नोट होते थे। अकाउंट में ट्रांसफर होती है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है ना। तो तुम अगर मियां से कहती हो ना, ये क्या बात हुई, कौन देता भाई ऑनलाइन? ये मजा नहीं आता इस ईदी का। अपने मियां को ईदी देना सिखाओ। ये सुन रहे हैं, बोलो ये क्या बात है, अजी सुनते हैं आज, ये सुनते हैं ईदी है या ईदी है? हाँ जी कुछ आप बताएं इस सवाल का जवाब। फैसल भाई वाला जवाब ये है कि बचपन की ईद अय्याशी की ईद होती थी। हाँ। सब कुछ आपके लिए अरेंज होता था। जवानी की ईद में थोड़ी सी अय्याशी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई, और अब की ईद जो है वो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंगली प्लान होती है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। हाँ, किधर तो अभी मैके जाना है, अभी अपने ससुराल जाना है, बच्चों की क्या, बच्चों को किधर लेके जाना है, क्या बोर ना हो उनके साथ, क्या एक्टिविटीज रखनी है, क्या क्या सिखाना है उनको। हाँ। कि ये ईद क्यों मनाई जा रही है, पिछली जो छोटी ईद है वो क्यों मनाते हैं। और आजकल के बच्चे ना सवाल बहुत करते हैं, बहुत बहुत आपको गूगल खोलना पड़ जाता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नहीं मेरा बच्चा सवाल नहीं करता, आता है सवाल करते कहते जवाब सुने बगैर गूगल खोले। वो बोलता है गूगल खोले डायरेक्ट। हाँ जी यही सवाल ऐसी भाई, बचपन में फॉर्मेलिटीज कोई नहीं होती थी, आप केयर फ्री, ईदियाँ भी मिल रही है, जहाँ जाना है चाहे, जहाँ नहीं जाना नहीं जाए, पेरेंट्स के साथ कहीं जाना होता था चले गए। फिर आप जब जवानी की ईद में ये होता है कि आपके अपना एक सर्कल बन जाता है। हाँ। दोस्तों का आप प्रेफर करते हैं कि आप उनके साथ हों, रिश्तेदारों में नहीं जाना। हाँ। पड़े। फिर जो बात की बच्चों वाली स्टेज है उसमें फिर ये होता है कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं, इधर नहीं गए शादी के बाद, एक शादी ससुराल का अलग एक होता है कि वहाँ नहीं गए तो ये मसला होगा, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़। लेकिन मैं यहाँ एक मज़े की बात बताऊँगा, पिछले 18 साल से मैं और ये, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, नमाज साथ पढ़ रहे हैं। अल्लाह, 18 साल हो। आप लोग वो वाले लोग तो नहीं जो नमाज की टाइमिंग ढूंढ रहे थे सबसे लेट कहाँ है, यहाँ की निकल नहीं, लेट नहीं, हम सबसे जल्दी की ढूंढते हैं, सबसे जल्दी की। हाँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो सबसे पहले इसको कुर्बानी भी सबसे पहले डिसिप्लिन बना दिया। उष्णा तुम्हारी ईद डिफरेंट है, जाहिर है कनाडा की ईद, लाहौर की ईद, कराची की ईद, तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो लाहौर, लंदन में भी तुम्हारी फैमिली है? जी है ना, अब मेरी फैमिली सारी लंदन, अब वहाँ शिफ्ट हो गई। तो मेरी बचपन की ईद कनाडा में होती थी, जब कभी पाकिस्तान में हुई है तो मैं तो बहुत अपसेट होती थी जानवरों को देख के इस तरह, लेकिन जवानी की ईद शोज करके सेट पे या फिर मैं मुल्क से बाहर होती हूँ, और अभी हाँ। बच्चे बच्चे हुए नहीं, शादी नहीं हुई, तो आगे की ईद का पता नहीं। वो अगले शो में पूछ, वो अगले शो में इंशाल्लाह। देखो इतना तुम बोलोगे ना कराची में ही होगी तुम्हारी शादी, तुम देख लेना है। हाँ। और क्या, मेरी बहन कहती थी दुबई नहीं जाना, दुबई नहीं वहीं शादी होके गई, तो ये ऐसा होता है। सादिया मैम कहती थी जर्मनी नहीं जाना, जर्मनी वहीं शादी होके गई। सोच लो मैंने साउथ अफ्रीका नहीं जाना, मैंने पेरिस नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। आपको अपना नहीं, बच्चों का और उनकी जरूरियात और उनकी सारी चीजें जो है उसका बहुत ख्याल रहता है। और हम जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो वो ईद, वो दिन ईद होता है जब हम घर में होते हैं। हाँ, ये तो वो ईद इतना रिलैक्स लगती है, अब के छुट्टी आ रही है, छुट्टी आ रही है, एक साथ 3 छुट्टियाँ मिलेंगी। नहीं अगर मैं तुमसे ये पूछूँ कि जब तुम छोटी थी वो तुम ईद सेलिब्रेट करती थी, तुम्हें ईद पे ये चाहिए होता था, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जैसी कौन सी चीज़ चाहिए होती? यार मेरी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी नहीं, आई थिंक वो गैप इतना आ जाता है इस दौर का कि अब के बच्चे, हमारी तो ईद वो होती थी ना कि नए कपड़े पहने थे, एक्साइटमेंट होती थी। हाँ। बैग लेना और वो जो सारी ऐसी, अब तो बच्चों को ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। वो शायद चीज़ें ऐसे हैं उन्हें तो
उनके लिए ईद, उन्हें लगता है हाँ ठीक है ईद है ईद। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब बच्चे बोलते हैं ईद बड़ी बोरिंग होती है। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी चिढ़ है जब कोई बोलता है ईद मोबाइल पे। बच्चे से तब तक खुश होते हैं सुबह उठ के तैयार होके सेल्फीज खींच ली, अपनी वीडियोस बना ली, उसके बाद ये जा वो जा सोना सोने चले गए। हाँ अच्छा, आप लोगों का दस्तरखान किस चीज के बगैर अधूरा है? आपका दस्तरखान खासतौर पे ईद पे अम्मी के हाथ के बने हुए अम्मी के, अब बकरीद पे भी शीर खोरमा। हाँ हाँ, ईद पे मीठा होना जरूरी है, वो शीर खोरमा ना हो तो बकरीद पे। और कोई ऐसी नमकीन डिश जो तुम्हारे दस्तरखान पे ना हो तो मजा नहीं आता बकरीद पे? कबाब, कबाब ये जरूरी है। उष्णा तुम बताओ? मामा कलेजी अच्छी बनाती है। हाँ, जब भी कोई ईद और ये इसके बगैर तुम्हारी जो जो भी पाकिस्तान में गुजरी है कलेजी के बगैर। और आपका? हमारे यहाँ बिरयानी लाजमी बनती है, लेकिन मेरा अपना सिस्टम है भाई। आप तो आपका मिल्क शेक बनाते होंगे, अपना प्रोटीन शेक। मेरा अपना सुबह से रूटीन में होता है, ईद हो चाहे कुछ भी। बिरयानी भी बनती होगी ब्राउन राइस के साथ? ब्राउन मैं अपनी अलग कीनवा के साथ बनाते हैं। कीनवा की अलग मशीन है मेरी, मेरा सब सिस्टम। हां सब चीजें सेट हो सकता है। आपका दस्तरखान किस चीज के बगैर अधूरा है? वैसे तो डाइट नहीं करते होंगे बकरे? मैं ईद पे नहीं करता था डाइट, लेकिन इस ईद पे मुझे मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरी रेजीम, तो मुझे नवंबर तक कोई अभी भी कोई 15 किलो और कम करना है। नहीं कहें भाई, कैसे लगा हुआ हूँ, तो इस ईद पे मेरी छुट्टी होगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस ईद पे स्टेक्स वो एंजॉय करूंगा। वो रूखी बोटियां भी तो खा सकते हैं। हाँ, तो स्टेक बनाऊंगा, बड़ा मजे का बनाता हूँ। वैसे नॉर्मली नॉर्मली आपके दस्तरखान पे क्या है? बिरयानी है, शीर खुरमा है, और इसी तरह की चीजें होती हैं। और सही बात, तुम्हारे हमारे घर पे खीर बनती है और अब्बू बनाते हैं नमकीन गोश्त। अरे वाह, वो बिकॉज़ दे आर पठान सो दे ओनली मेक दैट। वो हमारे घर में सालन वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं, तो वो बनता है आई थिंक दे स्टीम इट और एंड पे शायद थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देते हैं और कुछ इस तरह के, मतलब दैट इज माय डैड्स रेसिपी। बहुत चटपटा नहीं होता? नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं रोश बनाने की, सो लेट्स सी। रोश? यस। आप खुद बनाएंगे? मैं खुद बनाऊंगा। हां, और आपके दस्तरखान पे भाई क्या सजा? हमारे दस्तरखान पे शीर कोरमा ये लाजमी होता है, और मेरे लिए तो खास तौर पे जो लाजमी चीज होनी चाहिए वो हरी मिर्चें। हां, मैं हरी मिर्चों के बगैर खाना नहीं खाता। अच्छा, मतलब लाइक क्या लाहौर के लोग भी तो चटोरे होते हैं? हां हां, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या बात है। अच्छा, ऐसा होता है अक्सर कि किसी के घर दावत पे जाना एक्साइटमेंट होती है कि फलाना जो है हमारे खानदान वाले, ये फलाना दोस्त जो है क्या खाना बनाती हैं भाभी, तो उनके घर की दावत आए तो हमें जरूरी जाना है। किसके घर खुशी खुशी दावत पे जाते हैं और किसके घर थोड़ा क्या है, अच्छा जाना है दावत पे? हाँ, कौन है वो? ऐसे हैं कुछ दोस्त, लेकिन इस दफा कहाँ जाएंगे? इस दफा कहीं भी नहीं जा सकते। मैं अभी इस दफा की तो बात ही नहीं कर रही, ये तो ये है ही नहीं ना वो ईद जो अक्सर होती थी, तो बातें करने में क्या हर्ज है? बातें करने से तो किसी ने रोका ना। तो किसके घर कोई खानदान का कोई ऐसी भाभी है, कोई चच्ची है, कोई ताई है, कोई फुप्पो है, कोई खाला है, जहाँ फैसल हमेशा शौकीन होते थे जाने के, खाने के शौकीन? ये बता दिया फिर जाएंगे तो फिर क्या होगा? हाँ, नहीं बता सकते ना। अच्छा, ये ना बताओ कि किसके घर नहीं जाना पसंद, ये बता दो किसके घर पसंद है। हाँ, ये वो खुश हो जाएंगे। हाँ भाई, नवीद के घर में बड़े शौक से जाता हूँ खाना। अच्छा। खाने मेरा एक दोस्त है उमर, उसके घर बड़े शौक से जाता हूँ, इसके घर बड़े शौक से जाता हूँ। अच्छा, ये भी बड़े मजे के खाने पकाते हैं। वो तो देखती रहती हूँ मैं, इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई होती है सब कैसे बना रहे हैं, है ना। और बहुत सलीका शार आदमी, किचन इतना साफ रखते हैं। तो अब हम लोग पिछली 2 या 3 ईद से फजर की नानी के घर जा रहे हैं। तो इस दफा तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट, बट अगर कहीं दाव लगा तो आई विल मेक श्योर कि वहां से खाना आ जाए या कुछ हो जाए। वक्त है उसमें, ये नहीं पकाती होगी खाना? पकाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे मियाँ को कॉल करें आप, चलो लाइव कॉल। अली, आपको किसके घर जाने का शौक? एक तो मेरी फुप्पो है सबसे छोटी। हाँ। उनके घर पे और इन लॉज पे खाना हमेशा वो तो वो फिर अपनी पसंद की चीज बन रही होती है। अरे जबरदस्त, और खिलाते भी बहुत है, मैं इसलिए नहीं जा रहा। हाँ जी, शायद देखो हमारे हाँ की कितनी खूबसूरत बात है कि जब दामाद घर में आते हैं तो स्पेशल उनके उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। हाँ, ये तो है, रिस्पेक्ट है।
हमारे यहाँ बहुत अच्छी बातें भी हैं जिसको हम बड़े तंज में उड़ा देते हैं या मजाक कर देते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हमारे कल्चर में, ये तो हमारे नॉर्म्स का हिस्सा है, हमें उस पर फख्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शाइस्ता किसके घर जाती है शौक से खाना खाने? मुमानी। मुमानी पूरे खानदान में मशहूर? मशहूर जमाना, मतलब वो डिशेज जो वो बनाती हैं, एक बहुत ही ऐसी डिश के जो मतलब सब लोग घर के बनाएं अगर, तो उनका हर हाथ का मजा डिफरेंट होता है। तो हमें उनके एक आलू गोश्त और पालक गोश्त, हालांकि सोचे यार आलू गोश्त पालक गोश्त, बट वो इतने मज़ेदार बनाती हैं कि सब लोग वेट करते हैं कि उनके घर जाएंगे। उनके घर से दावत तक का बुलावा है। उष्णा तुम्हारी फैमिली में कौन है जिसके घर लाइक मेरी फैमिली का सेटअप बहुत अनकन्वेंशनल है, बिकॉज एक तो मेरी शादी नहीं हुई और जो मेरी इमीडिएट फैमिली है वो पूरी दुनिया में बार बार कह रही है मुझे लग रहा है अगले साल कर लेंगे, वही मुझे ये रिश्ता आएगा। सो नहीं, क्योंकि सब इन-लॉज कह रहे हैं, सो माय पॉइंट इज कि माय इमीडिएट फैमिली इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरी इन-लॉज है नहीं आगे लंदन में, वो सो मुश्किल से अगर मैं उनसे मिलूं, ज़ूम पे होती है दावत इस, नहीं मैं मुल्क छोड़ के जाती हूं उनसे, कोई कोई एक बताओ ना जो सब बिखरे हुए हैं। मोस्टली मेरी एक बहन है महा और हम सब किसी ना किसी तरह से उसके घर पहुंचे। पकाना छोड़ दिया, बट द थिंग इज इट्स द ओनली प्लेस जहां सारे कोई कनाडा से आ जाता है, कोई लाहौर से, कोई लंदन से, एंड यू गो इन-लॉज अभी है नहीं क्लियरली। बेचारी मैं, ओ माय गॉड, स्पिंस्टर मैं अपेरेंटली। हां जी एजाज बता दें आप। मेरा एक दोस्त है उसके घर हम जाते हैं, वो खाने वाले में मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, वहां सब मिल जाते हैं, बहुत सारे दोस्त पुराने नए सब आ जाते हैं। नाम बताना मना है क्या? नदीम नाम है मेरा। अच्छा हां तो बता देना, तो वो नदीम ही खुश हो जाएगा कि एजाज ने मेरा नाम लिया है नदीम भाई के लिए। अच्छा कभी ऐसा सीन हुआ है कि गाय कोई चुरा के ले गया या भाग गई और आप लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, गाय बकरा जो भी, कभी बचपन में या आपके इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसा किस्सा हुआ है? बहुत हुए, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। भागी नहीं है, लास्ट ईयर मैंने ARY फार्म हाउस जो है हमारा, वहाँ से मैंने बैल लिया था। अच्छा। और वो कोई पता नहीं मेरे खाते में वो कौन सी, वो एजाज असलम से भी कोई 3 इंच ऊपर था और वो पता नहीं कहाँ से मेरे खाते में आ गया। उसको संभालना एक अजाब हो गया था, बहुत भागा है वो। हम कोई 15 लोग थे, हैं बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, तो हम कोई 15 लोग थे जो सिर्फ उसको पकड़ने के चक्रों में थे और उसने बख्तर डाले हुए थे, और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा जो कसाई आए हुए थे असल में दीवारों में चढ़े हुए, तो मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ भाई तुम लोग तो पकड़ो, तो वो डर के मारे चढ़ गए, डर के मारे ऊपर चढ़ गए, उन्होंने उड़ा दिया था सब। लास्ट ईयर ये हुआ है मेरे साथ। आप लोगों के इर्द गिर्द कोई ऐसी सीन हुआ है कहीं गायें भाग गई है या गायें चोरी हो गई? तो अक्सर होता है सड़क पे ऊंट की कुर्बानी होती है। मैंने एक दफा देखा हुआ, वो ज़िबा हुई हुई थी गाय और वो भाग रही थी सड़क पे, होती है ना ऊंट की कुर्बानी, भागे जा रही कई बहुत देर, पूरी टीम उसके पीछे भाग रही है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही थी, वो इवेंचुअली खुद ही, वो मैंने देखा तो हमारे घर के पास वो सड़क पे कुर्बानी ऊँट की करते हैं ना। हाँ। अच्छा वो छुरी नहीं फेरते हैं, तो वो आपको पता है ऊँट की कुर्बानी कैसे होती है? हाँ। बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, वो तो, रोने लगेगी फिर। हाँ, तो वो छुरी मारी है। हाँ। ऊंट को यहाँ छुरी मारी और उसने कच्ची मार दी, ऊंट ने जो उसको बालों से पकड़ा है। अरे बाप रे, अरे भाई एक तमाशा चल रहा था भाई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। इन लोगों की गायें और बकरे जो भी हैं वो चुरा के चोर ले गया, इन्होंने चोर से उसको बचाना है, वो कैसे होगा आइए एक्टिविटी में देखते हैं जी। तो ये चोर का घर है और यहाँ से आपने जो चोर ने चोरी की है आपकी, लाहौर वालों की गायें, कराची वालों की गायें, उसे बाजियाब कराना है। आपकी जो चाबियां हैं, देखिए बेमानी शुरू हो गई है, अभी से कराची वाले बेमानी करें, चाबियां इस भूसे में छुपी हुई हैं और आपकी चाबियां इस भूसे में छुपी हुई हैं। जो जो पहले अपनी गाय को बाजियाब कराएगा वो होगा विनर। तो देखते हैं लाहौर वाले जीतते हैं कराची वाले, ताले लगे हुए गाय के इधर उधर हर तरफ और चाबियां इसके अंदर है। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब।
जिसमें चाबियां थी वो अभी भी खोल रहे हैं। मैं बता रही हूं खुल गई, जीत गए, बाजिया हो गई, खत्म हो गया। उन्होंने तो सारे खोल दिए, हमारे तो खुल गए, हम जीत गए भाई। कितने कितने ताले, 1 2 3 4 चाबी लग गई। तुम लोगों के कितने रहे हुए, हमारे ज्यादा खुल गए। तीन गुल हैं, चौथी चाबी आप में। छह ताले रह गए, उनके 4 ताले रह गए। तो इसका मतलब ये वाला मुकाबला जीत गए कराची वाले। देखते हैं कि अगला मुकाबला कौन जीतता है, लेकिन वो देखने के लिए आपने थोड़ा सा इंतजार करना। हम अभी छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। ईद मुबारक। अब हीर खिलाए रांझे को अपने हाथों से दुरिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज हमारे पास खास तौर पे आपके लिए, आपके साथ ईद मनाने के लिए है शाइस्ता लोधी, उष्णा शाह, एजाज असलम, फैसल कुरैशी, सईफा और अली अब्बास। ये सब खास तौर पे आपके लिए आए हैं क्योंकि ये आपको भी अपनी फैमिली मानते हैं। अपनी फैमिली में नहीं जा सकेंगे क्योंकि SOPs का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ आपके लिए आए हैं ताकि आप घर पर रहें। बड़े मज़े मज़े की बातें हम कर रहे हैं, और अगर मैं अब ये सवाल करूँगी, जिन बाबा हैं और उनके यहाँ देख सकते हैं ये चिराग है एक, और हर किसी की बहुत सादा ख्वाहिशात होती हैं, किसी की कम होती है, लेकिन ख्वाहिशात होती ही हैं, सबकी होती है, चाहे वो आप लोग हों या आप लोग हों, चाहे वो कराची वाले हों या लाहौर वाले हों। मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी और उसके आप लोगों ने जवाब देने हैं अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए। पहला सवाल, चलिए मैं आपको शिकायत है ना आपसे करती हूँ, मैं उधर शाइस्ता से शुरू कर रही हूँ। हाँ, शुगर है। हाँ, शाइस्ता की ख्वाहिश कि दो खाने की कोई ऐसी डिशेज हो, अगर मुझे चिराग मिले तो मेरे सामने हमेशा मौजूद रहे, दो खाने की कोई ऐसी। कॉफी, यार मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे दिमाग में बिरयानी, कोफ्ते, रायता नहीं आता। हाँ, चॉकलेट टार्ट, ये बस हमेशा मौजूद रहे ना। हाँ, चिराग मिले तो। हाँ, उष्णा, ये मेरा फ्यूल है, ये माँ फ्यूल है। हाँ, मेरी बात थोड़ी बारीक हो जाती है, थोड़ी सेंटी हो जाती है, मेरी माँ के हाथ की बिरयानी, क्योंकि अगर वो हमेशा रहेंगी तो मेरी माँ हमेशा रहेंगी। क्या बात है भाई, देखा ब्राउनी पॉइंट्स, मामा बड़ी खुश होंगी देखे। और क्या यार, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, लाइक काफी चीजें और बदलता रहता है, सो कोई एक चीज ना बस ये हो हर वक्त, मैं उठूँ और पकानी भी ना पड़े सामने हो मेरे। ये जब दुबली दुबली पतली पतली लड़कियां कहती हैं ना, हम बहुत फूडी हैं। मैं यूं देख से दुबली हूं, हेलो आप से यार, किधर किधर से मैं दुबली हूं, मैं अच्छी खासी, इधर तो नजर भी नहीं आता। निहारी अभी इधर आने दे जरा, निहारी और हलवा पूरी, हलवा पूरी जब मैं उठूं तो मेरे सामने हलवा पूरी हो, हलवा पूरी और मम्मी के हाथ की बिरयानी। ठीक है एजाज, मेरे पास अंडे, शौकीन ही नहीं है, अंडे अंडे का पहाड़ हो और नट्स, नट्स का एक बहुत बड़ा इतना उसमें कूद जाओ, नट्स और अंडे जी। फैसल कुरैशी, पहले तो मैं जिन से कहूंगा कि मेटाबॉलिज्म तेज कर ताकि मैं उसको वो दो चीजें कहूं कि हर वक्त मौजूद हूं, एक ट्रिपल मिल्क केक और एक जो है वो कड़ी चावल। क्या बात है, क्या बात, रहीफा कड़ी चावल एक्चुअली, एनी टाइम, नाश्ते में भी कड़ी चावल नहीं कहो, और ब्रेड मसाला, रियली, हां और ब्रेड मसाला, दिस इज अ वेरी कराची थिंग, कड़ी चावल बाय द वे, पता नहीं। अच्छा, एंड ट्रिपल मिल्क केक, आई अगर मुझे कोई 5-6 चीजों का भी नाम कहा होता तो मैं कहती खाओ सोए, अब वो अगेन कराची वाली, लेकिन दो दो वाली, आई लव खाओ, आई रिसेंटली डिस्कवर्ड इट। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, यस, और उसके अलावा कीमा, कीमा खाने की तो बहुत, ये दो चीजें बस खा रही हूं, आपने रोक दिया, जिन सही नहीं है आपका भाई, बस जिन इतनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है बस, लिमिटेड, ये जिन सही लिमिटेड, लिमिटेड जिन। मैं एक बोनस में आलू का पराठा भी ऐड कर लूं, पागल हो गए, आलू का पराठा, आलू का पराठा भी ऐड कर लूं, चलो सही, अली की लोहारी, एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूं, ये जिन नहीं सही है, मुझे दो ऑप्शंस नहीं चाहिए। अच्छा अब नेक्स्ट सवाल, आपने वहां मीरे का कबाब, कोई दो ऐसे मुल्क जिसका वीजा भी ना लेना पड़े, शाइस्ता निकल जाए जब छुट्टी आए, कुछ ही दिन की वीजा वगैरह टिकट ना लेना पड़े, बस ये जिन पहुंचा दे ना, फौरन पहुंचा दे, कोई दो ऐसे मुल्क, इटली, हाँ, साउथ अफ्रीका, गुड, मतलब जाना ही है ना, मतलब यहाँ ससुराल मियां की याद आया, आई लव साउथ अफ्रीका, मुझे भी ले जाना, चलो भाई मेरा ससुराल जरा सुने,
दिखाए लड़के फौरन उसकी शादी नहीं हुई अभी हाँ जी उष्णा मुझे एक्चुअली वीजा नहीं चाहिए जितना आप लोग मजाक उड़ा रहे थे बट आई लव साउथ अफ्रीका मैं पिछले साल गई थी आई लव इट और उससे एक साल पहले मैं बाली नहीं मैं टिकट भी बोला ना कि टिकट भी ना लेना पड़े टिकट लेना पड़ता है साउथ अफ्रीका बहुत महंगा बहुत दूर है सो उसका टिकट ना लेना भाई इसने पहुंचाना है तुम्हें क्या और क्या तुम्हें नहीं तो मैं कह रही हूं कि दैट्स गुड वहां ले जाना क्योंकि वैसे इसकी टिकट बहुत महंगी है दूसरा मुल्क मैं भी तो ऑस्ट्रेलिया नहीं कि मेरा बहुत दिल है कि मैं हवाई जाऊं या फिर बोरा बोरा या टर्कसन काइकोस बड़ी अकल माने दूर दूर की ख्वाहिश करी टिकट क्या की महंगी होती है टर्कसन काइकोस हवाई और साउथ अफ्रीका काफी जगह है दो जगह थे जिन कह रहा है इतनी फ्री ना हो दो जगह है तो तुम पूछ भी ना विश लिस्ट मामलों की इतनी बड़ी है ना जिन कह रहा है मैं दो से ज्यादा कर नहीं सकता पूरी अच्छा ठीक है वो मुश्किल है उसके लिए तो इन-लॉज भी ले जाएगा तुम बताओ ना ये क्या है आप बताएं ग्रीस एंड ब्राजील और यहाँ आई थिंक टर्की और यूरोप में तो कहीं भी ग्रीस इटली एनीवेयर यूरोप का पूरा नाम सही था हाँ मुझे भी लगता है कि यूरोप पूरा यार जो फैसल कह रहा है वही तुम कह रही हो अपनी अपने दिमाग से सोचो यहां का बड़ा है हो गया कोई इट्स अमेजिंग आई लव साउथ अफ्रीका हां जी अली ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये तुम लोग अपनी कहानियां बनकर रखो ना ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप एंड यूरोप हां अच्छा दो कोई ऐसे एक्टर्स जिनके साथ फैसल की ख्वाहिश है कि बस हर ड्रामा मिले नदीम साहब ये वाले मतलब ये जिन पूछ रहा है हां कि हर ड्रामे में ये दो एक्टर जरूर नदीम साहब और तलत हुसैन वाह जी सही मैंने अभी नहीं किया इतना काम तो अभी जो किया है वही बता दो मुझे ये दोनों मिल जाए फिर से इजाजत है प्लीज मिल जाए अच्छी अच्छी कट जाता है सगे भाई बने हैं हम लोग बिल्कुल क्या बात हां अली सर का दर्द एक तो नोमी भाई नुमान इजाज हां और purely out of personal choice Mahira Khan kya baat hai ji shaista do guest mil jaye main chalo acting tumne ki nahi hai agar main hosting mein puchu ki do acting ka puchho na acha chalo acting ka puch rahi hu mujhe yaar Sabah Qamar aur dusri aur Numan Ijaz dono mil jaye drama mein ek saath Ushna एज एक्टर्स जिनके साथ मैं कर चुकी हूँ काम जिन बाबा को कहना है कि ये एक्टर हर ड्रामे में हो वेल मेरे लिए मेरे करियर की सबसे बड़ी जो हिट थी वो फैसल के साथ थी और आई थिंक मैंने बहुत इवॉल्व किया फैसल के साथ सीख के और तब से लेके आई फील लाइक मैं बहुत ग्रूम हो चुकी हूँ एज एन एक्टर सो आई वुड लव टू वर्क विद हिम ताकि मैं इनको बार बार अपनी एवोल्यूशन दिखाऊँ और इनको एक डिफरेंट एंगल से इनके साथ काम कर सकते एक तो फैसल बिकॉज ही इज अमेजिंग ही इज इनसेनली गुड मतलब आई एम नॉट जितना इन्होंने मुझे आज टीज किया कहना नहीं चाहिए बट शायद पाकिस्तान के सबसे वर्सेटाइल एक्टर हैं कुछ भी बोल सकते हैं माशाल्लाह 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 और दूसरे देयर इज नो डाउट मेरा अभी तक कवि साहब के साथ काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ आई वुड लव टू वर्क विद हिम एंड सो दीज टू आर एक और प्लीज आई हैव वर्क विद वसीम सर एक दफ़ा लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरी मदर के साथ बहुत ज्यादा काम किया और मैंने वो काम देखा सो आई वुड रियली लाइक टू वर्क मोर विद हिम आई वुड रियली लाइक दैट इजाज भाई एक तो तलत साहब एक फैसल कुरैशी क्या बात है ये काम करेंगे साथ में ये कितने भाई उसने कहा हर ड्रामे में वो तो केमिस्ट्री अच्छी बनती है ना यार इसको मिला के ऐसी कौन सी दो चीजें जिससे ये जिन बाबा आपके जेब में हर वक्त पैसे रखे दो चीजें खरीदने के लिए आपके बटवे में हर वक्त पैसे हो हर वक्त पैसे हाँ उन दो चीजों को खरीदने के लिए वो उन चीजों के नाम बताएं ये इन दोनों को इसका मैं बता देता हूँ का कुछ भी हो बाइक और फोन ये देखे बाइक और फोन मेरा भी सेम यही है परफ्यूम्स भी वैसे आपका भी सीन यही है बाइक और परफ्यूम ये सब बाइक और फोन सॉरी मैं फोन ले लूंगा ना तू परफ्यूम ले फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे मैं कह रहा हूँ बाइक और फोन हाँ जो जो लीजिएगा तीन तीन लेके एक एक यहाँ पे दो की ऑप्शन है ना भाई तुम अपने लो ना यार मैंने आप लोगों के लिए जवाब भी दिए ड्रामा कर रहे हैं साथ तुम्हें भी देगा तुम अपना बताओ तुम्हें भी यही चाहिए होता है क्या नहीं परफ्यूम खाना मैं बताता हूँ इसका खाना और मियां के कपड़े अच्छा या घर का फर्नीचर घर की चीजें घर का फर्नीचर घर का फर्नीचर और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए मियां के कपड़े अली मुझे घर और गाड़ी हर वक्त
कितने घर खरीदोगे भाई हर वक्त बटवे में पैसे। मैंने कहा मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। घर के पैसे नहीं आते। घर और गाड़ी। घर और गाड़ी चले जी गुस्सा। क्लिनिक तुम्हारे पर्स में हर वक्त ये जो है ना पैसे हर वक्त तुम्हें पैसा देता रहे दो चीजें खरीदने के लिए। वो दो चीजें कनाडा जाने की टिकट एंड या आई जस्ट यार अ प्राइवेट जेट। आई लव ट्रैवलिंग बिकॉज़ सी I have the passport. ये बड़ी समझदारी से चीजें चुन रही है। I just want a jet. That's all I want. बहुत छोटी खुशियां मेरी। Jet और बहुत छोटी सी खुशी perfume. Perfume तो खुद ले लूँगी. Jet is good. I want nothing else. And लेकिन यार ये दोनों एक ही दे देगा। जहाज तो दे देगा। जहाज दे दे बस। तो चलाएगा कौन? बहन कोई भी चला सकता है। यार watches मुझे मैं वो तो तुम्हारी बहुत शौक है हाँ जमा करने का और घर की चीजें सैफा की तरह मगर उसमें सबसे ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं मिरर पीसेस। अच्छा तो मुझे मेरा मेरे घर वाले कहते हैं कि हमारे घर में कोई जगह ऐसी बाकी नहीं बची कोई वॉल नहीं बची जहाँ मिरर ना हो। अच्छा अगर जादू का चिराग आपको एक दोबारा पैदा कर दे नई जिंदगी दे दे तो इस जैसे अभी आप एक्टर्स हैं होस्ट हैं डॉक्टर हैं जो अभी जिस प्रोफेशन में है उस वक्त आप क्या प्रोफेशन चूज करना चाहेंगे अगर आपको ये दोबारा से पैदा कर देना मतलब जो हमारे यहाँ होता नहीं है वैसे वैसे सवाल है। क्या 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 फैसल कुरैशी अगेन यस नहीं भाई फायदा है भाई वैरायटी नहीं चाहिए जिंदगी में। अरे बड़ा फायदा है पेट्रोल पंप बंद है किसी को डीजल नहीं मिल रहा मुझे मिल जाता है। वाह लाइनें लंबी लंबी होती हैं कोई आके कहता है फैसल भाई जरा इधर से आ जाए। सो बहुत जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में लोग बहुत प्यार करते हैं। तो चाहे पुलिस वाले हों सड़क पे ऐसे सलूट मिलते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैंने पता नहीं शायद कोई एक अच्छा काम किया है जिसकी वजह से लोग इतना प्यार फैसल कुरैशी दोबारा फैसल कुरैशी बने कभी जरूर नहीं किया लेकिन चलो कभी नहीं। सैफा क्या बनेगी? सैफा क्या? आई वुडंट वांट टू चेंज मायसेल्फ मैं यही खुद ही रहना चाहूंगी। एक ख्वाहिश तो होती है यार मतलब भाई वो प्रोफेशन की बात कर रही हूं मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि तुम लोग अपने आप को चेंज कर लो एक्चुअली और क्या मुझे लगता है नहीं मुझे लगता है कि मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने आप से तो मैं यही चाहूँगी कि मैं जो अभी भी हूँ वही रहूँ। I wouldn't want to. शायद क्रिकेटर क्रिकेटर बनना चाहिए क्रिकेटर स्पोर्ट्स एजाज क्या बने मैं शायद साइंटिस्ट बनता। क्या क्या साइंटिस्ट आप शेफ कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ आप साइंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट बनता मुझे टेक्निकल इस तरह की चीजें ईजाद करता मुझे उसका बड़ा शौक है कोई इन्वेंशंस। तू पता क्या ईजाद करता मैं बताता हूँ खुद ब खुद ना नट बन जाए खुद ब खुद बादाम पैदा हो इन्वेंशन खुद ब खुद अंडा बन जाए तू ये ईजाद बगैर मुर्गी के अंडा बगैर मुर्गी के अंडा उसना क्या कहेगी कोई टेक जीनियस जैसे इलॉन मस्क मार्क ज़करबर्ग लॉट्स ऑफ मनी इन इट बहुत अमीरों की बातें कर रही या ना मैं समझाई मैं समझाई कहेगी मैं बिल्ली बन जाऊं मैं पहली आपके ख्वाब जो कि इनकी जिम्मेदारी थी अब इनका मूड है तो पूरा कर दे नहीं मैं तो नहीं करेंगे अब हम बात करें तो हिल नहीं सकता तो अच्छा छोटी ईद पे बड़ी तैयारियां होती हैं खवातीन की मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ उष्णा लड़कियों की बड़ी तैयारियां होती है छोटी ईद पर तुम्हारा शुमार किन लड़कियों में होता है बड़ी ईद पर तो तैयारी कम हुई होती है और खवातीन तो लगी होती है किचन में लेकिन लड़कियां फिर भी तैयार होती ये अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या भेजा मेरे तो ससुराल वाले हैं नहीं मैं यूजुअली मुझे इतना तैयार व्यार होने का शौक नहीं है बिकॉज काम की वजह से या तो माही मुंडा हो वो लाइक बिकॉज आई गेट सो अनॉयड लाइक हमारा काम ही तैयार होना है सो मुझे कोई इतना नहीं बट इस ईद पे मैंने तैयार होना था और मुझे ढेर सारे डिज़ाइनर्स ने कपड़े भेजे एंड आई वाज एक्साइटेड और लेकिन वो सब मैं कर नहीं सकी बिकॉज उससे पहले एक ट्रेजेडी हो गई सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डिडंट सो जो एक वाहिद ईद थी जिसमें मैंने थोड़ा सा होना था तैयार मैं नहीं हुई बट नॉर्मली मैं बहुत चिल हूँ लाइक मैं बस सफ़ेद पहनती हूँ हर साल आई वेयर वाइट
बकरा ईद पे या छोटी ईद? छोटी ईद पे, बकरा ईद पे मैं मुल्क में नहीं होती। हाँ तुमने बताया था भाई, तुम हर ईद पे सफेद पहनती हो। ऑलमोस्ट पहले दिन पे मैं आई ऑलवेज वेयर वाइट। और तुमने आज भी इसलिए सफेद पहना? ये मैंने छोटी ईद पे पहना था। हाँ जी, तो अब जो मुकाबला होने जा रहा है लाहौर और कराची के बीच में वो ये है कि पिनाटाज हैं जो लटके हुए हैं बकरे ही नुमा कुछ, इनके हाथ में एक एक क्या कहेंगे इसे, एक स्टिक है, उस स्टिक में ब्लेड्स लगे हैं जिसकी मदद से इन्होंने ये जल्दी जल्दी पिनाटास फाड़ने हैं, और किसी एक में जो बकरे को सजाने वाला जेवर है वो सारा छुपा हुआ है। अगर ये लोग लकी हुए कि पहला ही ऐसा निकल गया तो ये अपने टाइम पर टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और फिर से जीत का ताज पहन पाएंगे, लेकिन अगर सबसे आखिर में ये मिला तो हाँ ये देखें। नहीं नहीं ऐसी बेईमानी नहीं करी, बेईमानी जैसे तो सबसे पहले टच नहीं करो, उसना सैनिटाइज नहीं हुआ, टच नहीं करो, टच नहीं करो। अच्छा तो टाइम शुरू होता है आपका, आप पहले कराची वाले। ओके पिछला मुकाबला कराची वालों ने जीता है, अब आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। आपका टारगेट ये है कि उन्होंने 1 मिनट 50 सेकंड में अपने बकरे को सजा दिया, अब देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सन लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सन लोर तेरे ते मर्दानी। वेख वेख के कुड़दाई सन लोर तेरे ते मर्दानी, लग बदला तेरा बल खावे दिल मित्रा ते डुबदा जावे, जद लोग मरे लशकारा तेरे सोने मुखदा। मैं दिस मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है, मैं दिस मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है। दिल वेख वेख के कुड़दाई सन लोर तेरे ते मर्दानी, मेरे पर कैमरा आने का कि मैं 10-9 मतलब कुछ तो करूं। वाह भाई लकी, पहला ही पहला था, दूसरा था पहला 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 पिन्याटा ने फाड़ा है, और ये सारी मैं कह रही हूं दूल्हा बकरे को सजाने की चीजें मिल गई, तो ये वाला मुकाबला जीत गया है लाहौर। थैंक यू। तो जनाब ये बकरा सज चुका है, लाहौर वालों का बकरा ज्यादा अच्छा सजा है क्योंकि उनको बहुत टाइम मिला सजाने का। आप भी अपने घर को सजाएं, मजे मजे के खानों से अपनी टेबल को सजाएं और सबको खिलाएं,
थोड़ा सा वेट करें, हम अभी आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट आज हमारे साथ शो पे हैं और बहुत मजे मजे के गप्पे किए। क्या कर रहे हैं कि दे दे कैच यहाँ पे, जब फैसल और एजाज एक साथ जमा हो तो यही होगा। ये सैनिटाइजर इधर से उधर फेंके जा रहे हैं और मजे मजे की बातें हो रही हैं, और इसके बाद शो के बाद हम कुछ खाएंगे भी बड़े ही तमीज से, क्योंकि हम स्क्रीन पे नहीं खा सकते ना, जरा SOPs का ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब हाँ हो गया, सैनिटाइज भी हो गया हाथ में, देखे हम सारे SOPs का ख्याल रख रहे हैं। और अगर मैं आपको कैमरामैन भी दिखाऊँ, वो भी सब पहन ओढ़ के खड़े हुए बेचारे, अगर मैं उनका भी शॉट आपको दिखाऊँ। अच्छा, मैं आप सबसे इज्तमाई सवाल कर रही हूँ, वो आपने जवाब देना, जैसे कि मैं पहले से करती आ रही हूँ। पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा, हम सब पहली दफ़ा, पहली मोहब्बत अब कुछ कभी भी हो सकती है, जब आप छोटे हो, टीचर से हो सकती है, किसी से भी पहली मोहब्बत। ग्रेड टू में, ग्रेड टू, और जो बॉय था वो ग्रेड एट में था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर हिम। नाम बता दो बेचारे का। नाम नहीं याद, चेहरा याद है क्योंकि वो सीनियर था मेरा, और आज तक कभी नाम पूछा ही नहीं, मतलब भाई टाइप चीज थी वो, लेकिन थी मोहब्बत पहली। अली पहली मोहब्बत ग्रेड सिक्स में, ग्रेड सिक्स, ग्रेड सिक्स टीचर, मैं या नहीं, टीचर नहीं, स्टूडेंट ही थी, लेकिन अगर मैंने डिटेल्स बताई तो सब पता चल जाएगा, बट ग्रेड सिक्स में था और बहुत ही इंटेंस, बहुत इंटेंस, वन साइडेड था या जोर डाले, मैं मंगवाऊ पानी जानी, मैं घूम के आती हूँ। एजाज पहली, आई थिंक वही ग्रेड सिक्स या सेवन में वो टीचर नहीं पसंद आ जाती है, वही था वन साइडेड, ना टीचर को पता चलता है। मैं भी ये सोच रहा था, आपको पता है बस अच्छा पढ़ना है, हाँ बस उनको दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा, बस वो होता है ना, अच्छा अच्छा लगना, अच्छी लगती है वो आपको, एक कोई टीचर होती है या कोई एक पर्सनालिटी पसंद आ जाती है, तो वो ग्रेड 6 में था, 6 या 7 होगा। और उसना तुम्हें याद है कुछ, क्या भूल गई? एक्चुअली डोंट रिमेम्बर एट ऑल। तुम्हें भी टाइम चाहिए तो मुझे घूम के आ जाओ। यार मुझे पहली कहाँ से याद होगी? शायस्ता मुझे बिल्कुल टाइम नहीं चाहिए, मेरे टीचर थे मैथ्स लेते थे, तो सब्जेक्ट से चिढ़ हो गई और टीचर से मोहब्बत हो गई। वाह 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 वाह, बाकी तो उससे पहले तो बहुत सादा खुशबू बचा। अच्छा, पहली चीज जो खरीदी हो अम्मा अब्बा के पैसों से नहीं, अपने पैसों से पहली चीज क्या खरीदी? उसका भी एक अलग नशा होता है कि ये मेरी अपनी कमाई का है। मैंने गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी खरीदी? हाँ। पूछना तुमने क्या? 30,000 रुपए की। नहीं, क्यों? Volkswagen। Volkswagen? क्या जबरदस्त। वो मॉडलिंग जब करते थे तब की बात? हाँ। अरे वाह। मैंने एक मॉडलिंग का असाइनमेंट किया था और लेदर जैकेट्स का शूट था जब तुम्हें वो, और उस मैं प्रिंटिंग बिजनेस भी करता था, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने या था, तो उसमें मुझे पैसे बचे थे, मैंने वो गाड़ी ली। गाड़ी ली। पूछना तुमने पहली कमाई से क्या खरीदा? पहली कमाई तो 80 रुपए थी। हाँ। बट जो एक्चुअली पहली कमाई क्या खरीदी? When I was 15, 16, मैंने अपने भाई का एक थिएटर प्ले किया था, उससे मुझे कोई 15,000 रुपीस मिले थे। हाँ। I think मैंने बस डिनर्स पे उड़ा दी थी, खाने पीने, और अभी तक वही कर रही हूँ। खाने पीने की शौकिंग। शायस्ता यार, मैंने पहली चीज जो अपने लिए ली थी अपनी कमाई से, वो एक गाड़ी थी, और वो ARY की कमाई से थे बाय द वे। हाँ, और मुझे याद है ऑल्टो। अच्छा। पहली कमाई से अपनी गाड़ी ली थी। तो उससे पहले आप इंडस में भी तो करती थी ना काम? हाँ, तो वो इतने पैसे नहीं होते थे, वो तो मैं पढ़ रही थी उन दिनों में, तो पॉकेट मनी होता, खाने के पैसे होते थे, ARY से सही पैसे मिले थे, और यहाँ से गाड़ी ली। हाँ, पहली जी, पहली चीज। वैसे तो ऑब्वियसली कपड़े और ये सारी चीजें तो लेनी शुरू कर दी थी बचपन से ही, पर एक्चुअली वो एक बड़ा बैड पैच है मेरा, वो 100 दफ़ा सुना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा जब बूटा हिट हुआ और उसके बाद मुझे एक और सीरियल मिला, मिस्टर एंड मिसेस में कर रहा था, तो मुझे वसीम भाई ने
अच्छे पैसे दिलवा दिए उस सीरियल के, मैं और वसीम भाई थे तो अच्छा, पास उसमें अच्छा मिस्टर एंड मिसेस, सो आई वाज द मिसेस ही वाज द मिस्टर अच्छा जी वो सीरियल ही ऐसा था ओके क्योंकि वो दोनों को एक जगह चाहिए होती है तो मैं बीवी बन जाता हूँ अच्छा। और वो मियां बन जाते हैं तो हम फिर जाके उस घर में रहना शुरू हो जाते हैं। तो क्या खरीदा आपने फिर? तो मैंने गाड़ी ली थी अच्छा, पहली ली थी मैंने पहली। आई रिमेम्बर 2000 की बात है ये, तो सन 2000 में सिल्वर कलर, सिल्वर कलर की मैंने आल्टो ली थी। क्या बात है, सही जो बहुत शुरू शुरू के पैसे थे मुझे ऑब्वियसली सही से याद नहीं है, लेकिन ये कपड़े और खाना वगैरह ही होता है, मतलब लाइक तुमने अपने लिए जो चीज पहली ली वो कपड़े। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब अगर जो याद भी है और जो लिए तो आई गॉट माईसेल्फ अ कार। हां अली, मैंने जो मेजर, क्योंकि पहली तो चीज याद नहीं होगी उस तरह, बट जो मेजर अचीवमेंट थी अपनी कमाई से वो कराची में अपार्टमेंट, और जी तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि अपनी कमाई से प्योरली zero support from anyone else. तो वो मेरे लिए थी, और फिर next step obviously गाड़ी का था। गाड़ी जो मैंने खरीदी थी वो मैंने एजाज भाई के सीरियल के पैसों से खरीदी थी। एजाज भाई हमें भी लेने हैं। मैंने इनका सीरियल किया था तो उसके पैसों से मैंने। एजाज भाई मुझे भी लेनी है। यार अब आप। मुझे भी घर लेना है। नहीं 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 वो ठीक है। Final payment इनकी आई थी। जाहिर है। दो तीन जगह मिले थे। कितने पैसे दे दिए? अच्छा वैसे तो बचपन में इतने झगड़े होते हैं बहन भाइयों से या कुछ, ये बाल नोचना ये वो, लेकिन जब आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, सेंसिबल हो जाते हैं, फिर आपका झगड़ा किसी सही बात पर होता है। बहन भाई की बात नहीं मैं करी, किसी बाहर वाले से पहला झगड़ा मुझे याद है। एक मैं गाड़ी चला रहा था और बहुत लड़ता था पहले, इसको मैंने बहुत काम डाउन किया। सामने से कोई रात में अगर कोई ऐसे करके लाइट मार देना, ये उसके सामने गाड़ी लगा के लड़ना शुरू कर देता था। मेरा पहला भी लड़ाई भी गाड़ी में हुई थी। हाँ, मुझे वैसे हुई थी, दो तीन लड़के थे वो उल्टी सीधी चला रहे थे बाइक और मैं अकेला था गाड़ी में, तो वो उन्होंने साइड वाइड मारी, मैंने जोर से निकल के खूब चिल्लाया उन पे और गाली दी तुम तो वो मेरे पीछे लग गए। अब वो चार पांच थे और मुझे नहीं पता था, ग्रुप बन गया ना, मैं अकेला, अब मैं भगाया जा रहा हूँ गाड़ी। एक जगह आके वो डेड एंड आ गया, अब मैं उसके बाद गाड़ी नहीं थी, फिर मैं उतरा, मैंने गाड़ी में से वो जो रॉड होती है वो खोलने वाली व्हील वो जल्दी जल्दी निकाली, इतने में वो आ गए थे। उन्होंने चमाटे वाटे मारे वो पाँच छः थे, मैंने खड़ा हो गया, मैंने कहा खा लो, फिर वो खावा के वो चले गए, वो हाथ में ही रह गया मेरे। फिर मैंने वो बंद किया, फिर मैं बैठा गाड़ी में, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं जैसे चला गया। आप नहीं यार, आपको याद है फैजल? नहीं ऐसे, लेकिन मैंने मारी भी बड़ी है इस तरह चपेट जो, और आपको तो हाथ लगता भी होता बड़ा। मैंने मारा था एक को इसी तरह, वो स्मार्ट बन रहा था ना, गाड़ी भी मेरी ठोक दी, लाइट तोड़ दी सब, और ऊपर से बोला ए सिग्नल तोड़ के आ रहा था वो बंदा, और आके फिर इतना एक्शन मारा है कि वो आपको ना रुक जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों, मैं मेरा सिग्नल खुला है यार, तो फिर मैंने कहा तुम अभी जाओ, रश लग रहा है इधर, तो वो सुन नहीं रहा था, हीरो बन रहा था स्मार्ट, फिर गुस्सा आ गया मैंने, फिर बेहोश हो गया था वो, बेहोश हो गया था। आपका हुआ कोई ऐसा झगड़ा? मेरे नहीं, सड़कों पे इस तरह से कभी नहीं हुआ, बिकॉज मैं लेट गो करता हूँ कि जाओ बाढ़ में जाओ, मतलब मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को। मेरे झगड़े या तो बाबर जावेद से हुए हैं बहुत ज़्यादा, या जेजे से हुए हैं। मेरे काम पे होते हैं झगड़े। हाँ, मेरे काम पे हाथा पाई थोड़ी हुई है बाबर और जेजे से रोज होता है हम लोगों का। हमारा एक ग्रुप बना हुआ, उस पर काफी झगड़ा होता है। बाबर से मेरी हल्की फुल्की हाथापाई हो चुकी है। सैफा, मैं तो बहुत गुस्से वाली हुआ करती थी। खटिया का मारा भाई है। और मेरे अबू मुझसे तंग थे। और मेरी गाड़ी में अभी भी एक रॉड पड़ा हुआ है, और वो अभी भी है। मेरी गाड़ी इस वक्त लाहौर से आई हुई है और उसमें रॉड है, और वो रॉड मेरी शादी से पहले से मेरे साथ रुखसत हुआ है। मतलब वो रॉड रुखसत हुआ है, और मेरे अबू जब भी वो माय पेरेंट्स से ले हैंडल लगवा लो, उसमें क्या लगवा लो, हैंडल लगवा लो प्लास्टिक। मुझे वो चाहिए था बेसबॉल बैट, वो मुझे अबू ने नहीं लेने दिया क्योंकि उनको पता था कि मैं, तो वो कहीं डंडा मुझे मिल गया कहीं से, वो आज तक है मेरे पास। तो मेरे अबू बहुत, अगर वो भी शो भी देख रहे होंगे तो वो इस बात से पूरा अग्री करेंगे। उनको होता है कि मैं इतने गुस्से वाली हूँ और तुम सड़कों पे जाके, वो मेरा वही मसला था कि कोई गुजर गया गलत क्यों है, तो वो गलत क्यों चला रहा है, या फास्ट ट्रैक पे स्लो क्यों चला रहा है, तो वो रॉड और ये मेरा रॉड इसने रखा हुआ है। लेकिन अगर कभी कभार मैं सेट पे जाता हूँ, मैं पिस्टल कैरी करता हूँ,
तो जान निकल जाती है इसकी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंटी, देखिए आई कम फ्रॉम अ पठान फैमिली, ठीक है, आई डोंट वांट टू से दिस बट सी हमारे घरों में ये है चीजें, तो मैं नहीं चाहती कि ये, मैं बड़ी एंटी गन्स और ये वाली चीजें, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ही वांट्स टू कीप वन बट आई एम जस्ट वेरी एंटी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि तुम्हारा पहला झगड़ा कौन सा था, ये तो तुमने बता दिया कि मैं, तो पता नहीं बचपन से ही झगड़ा लू और झगड़े कर कर के तो बुढ़िया की तरफ जाएंगे ना, फिर शो खत्म कर दीजिएगा, बहुत सारे बाकी होंगे। क्या एक मिनट, I think and I remember correctly, बहुत मेरा अगर फटा था, I was visiting Pakistan, मामा एक घर बना रही थी यहाँ पे, and वहाँ पे उस ज़माने में 90s में गधा गाड़ी पे सरिये वगैरह आते थे, and I remember एक गधी थी जिसको बहुत चोट लगी हुई थी, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी, उसको पट्टी कर रही थी, and I remember उस गधे वाले की मैंने उसके साथ में, and I was very young, I don't even think, like I don't even know मैं कौन सी ज़बान बोल रही थी, हाथापाई भी की तुमने, I wanted to kill him. बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इससे किसी को इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बट पहला झगड़ा मेरा स्कूल में हुआ था, प्रॉब्ली 6th 7th में मैं था, और वो क्रिकेट मैच चल रहा था ग्राउंड में, और मैं बैठ के देख रहा था, तो एक लड़का सामने आके खड़ा हो गया, तो मैंने उसको कहा यार तुम हट जाओ मैं मैच देख रहा हूँ, उसने कहा तुम हट जाओ, मैं उठा और मैं जाकर दूसरी साइड पे बैठ गया, थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर भी आ गया, बस फिर उसके बाद बिल्कुल साथ एक चौकीदार का कमरा था गेट के बाहर जिसमें वो बैठ सकता था, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आज अच्छा वही सवाल हुआ, मैंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा, और वो उसके अलावा बहुत बेइंतहा झगड़े हुए मैं आज दिन तक होते हैं, लेकिन पहला झगड़ा वो आपको याद है, अगर मुझे अपने बारे में कुछ चेंज करना हो तो मैं मुझे ऐसा इस तरह से कोई चीज़ याद नहीं है, मेरे इख्तलाफ करने का शायद तरीका डिफरेंट है, मैं चुप हो जाती हूँ और मैं पीछे हट जाती हूँ, जहाँ से मुझे निकलना हो बस मैं फिर लड़ती वड़ती नहीं हूँ, साइड ले लेती हूँ, कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ नहीं इस तरह का, कुछ शो पे हुआ हो किसी गेस्ट के साथ या कोई ऐसी चीज हो, वहाँ से भी मैं निकल जाती हूँ, साइड पे रो रही होती थी नहीं लेकिन नहीं मेरा ऐसा, लेकिन मेरा भरोसा वाले के साथ ऐसा हुआ है कि स्टार्स जो हैं वो भड़क गए हैं क्योंकि टाइम बहुत लग गया है और ये सब बड़े मसले हुए, लेकिन मैं साइड, मैं कभी जाती नहीं थी उस माहौल में, उस उधर तक मेरी सारे लड़के लड़कियां, आपके टीम बहुत अच्छी थी मेरी, हाँ तो वो बेचारे कर लेते थे, मैं तो कोई झगड़ा ऐसा याद नहीं है शायस्ता के, ना मैं मेरा शो पे ही, मतलब लाइक मेरा तो होते थे यासिर से ही हुए होंगे बहुत सारे, नहीं पहला मुझे वाकई मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे मॉर्निंग शो का याद है, झगड़ा नहीं हुआ था, बेरोज भाई नाराज़ होके चले गए थे, फिर उनको मनाया, वो किसी के शो अपने ड्रामे के लिए आए थे, और उन्होंने कहा था मैं एक्टिविटी नहीं करूँगा, या बाकी सब कर रहे थे कुछ, मैं पहले बहुत बेवकूफ़ी वाली एक्टिविटीज़ भी कराती थी ना, तो वो, और फिर मैं इतनी सेंसिटिव थी अपनी चीज़ों के लिए, हाँ ये तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा शो कैसे कौन देखेगा, फिर ये सोचती थी पहले मैं, तो वो उस वक्त फिर मैं, फिर बाद में सही हो गए थे, लेकिन मैंने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं कि वो नाराज़ हो गए थे, फिर मैं उनको मना रही थी, झगड़ा नहीं कहेंगे ऐसे, नाराज़ होना कहेंगे। ओके जी, आखिरी मैसेज फ़ोन पे किसका आया था, जल्दी से सोच के बताना है। बीवी का आया था मेरे, अभी वो ग्रुप पे आया था कोई, किसका पता नहीं, ग्रुप पे चल रहा था, जे का अभी शुरू होने वाला है, वेट कर लो। का आया था किसका, मेरे हस्बैंड का। अच्छा अच्छा, मेरे हस्बैंड का। ओके, कब आओगी? मेरे ताया का है, अभी मैंने देखा। तुम भी ये कह सकती थी, मैं नहीं कह सकती ना, कह सकती थी। सवाल अब ये जल्दी जल्दी करना है, टाइम शॉर्ट है। हाँ, आखिरी बार झूठ कब बोला? मैंने तो आज रास्ते में बोला है। ये रास्ते में? हाँ, मैं वो असल में मेरे घर पे डीजल खत्म हो गया था, तो मुझे वो डीजल किसी तरह घर पहुँचाना था, क्योंकि वरना मैं सारी रात मेरे घर पे बच्चे जो है वो बगैर लाइट के सोते। आखिरी बार झूठ? तो वो झूठ मुझे जो बोला था कि मैं 5 मिनट दूर हूँ। देखो सारा कसूर इनका था, हम फंस गए। चलो अच्छा है, क्लियर हो गया। हाँ। वरना कल मेरे टीम की क्लास होती। हमने दोनों ने इसको बोला था सईफा को कि हम निकल गए हमसे और हम घर पे थे। सईफा पकड़ा गया झूठ। बट आई काइंड ऑफ न्यू बिकॉज़ मैं तो काम कर रही हूं ना, पता है मुझे अभी आज से। सॉरी, आखिरी झूठ? आई डोंट इवन रिमेम्बर। अगर मैं इनफ झूठ बोलती होती मैं इतने ट्रबल में ना पड़ती जितना मैं पढ़ा करती हूँ। आई जेन्युइनली डोंट रिमेम्बर। हाँ, मुझे कोई
कोई आज शूटिंग में देर से पहुंची हो कोई नहीं वो मैं सच बोल देती हूँ कि मैं नींद नहीं पूरी हुई सॉरी बट मैं आजकल घर पे हूँ तो कोई ऐसे जरूरी नहीं पड़ी मामा के साथ के हाँ तबीयत ठीक है अगर बीमार हूँ तो उनको कह देती हूँ कल बोला होगा शायद के बता नहीं सकती मैं अच्छा तो कोई ऐसा झूठ बताओ नहीं जो तुम बता सकती हो कोई सेंसर करके कुछ बताओ नहीं नहीं वो तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा अच्छा मैं शूटिंग की बात है कोई नहीं नहीं शूटिंग की बात शूट पे नहीं मैं अपने काम से बहुत ऑनेस्ट हूँ अच्छा वो उस पे मैं बिल्कुल भी कोई पंगे शंगे नहीं लेती लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बोला जाए तो बेहतर है सेवर टेल नो बताओ ना आगे आगे मैं पाकिस्तान की प्यारी बेटी हूँ मैं तो गलत बातें नहीं बोल सकती शायस्ता आखिरी झूठ अभी थोड़ी देर पहले मियाँ से अच्छा वो मेरी रानी बातें पूछ रहे थे अच्छा मैं नहीं हाँ वो मैं नहीं पूछ रही भाई अब मियाँ की बातें पर्सनल होती हैं हाँ भाई अली मैंने अपनी अम्मी से बोला था कि बारिश नहीं हो रही क्या दोबारा कहें कि बारिश नहीं हो रही वो परेशान हो रही थी कि तुम शूट पे हो बारिश हो रही है हाँ। तो नहीं, यहाँ नहीं हो रही हो ही नहीं रही यहाँ पे जिसमें एरिया में गड्ढों में पानी भी नहीं भरा हुआ कुछ भी नहीं कराची की सड़कें साफ है और सड़कों में से फुहारे भी नहीं निकल रहे अच्छा अगला सवाल हाँ जी हाँ कोरोना से पहले आखिरी बार कहाँ घूमने गए थे मतलब लाइक कोविड 19 से पहले मैं बीच गया था आप बीच गए थे आप कहाँ गए थे ट्रैवल की बात कर रही हूँ कहीं भी गए मैं यूएस में था और जिस दिन हम लैंड किए थर्ड डे सब बंद हो गया ओए बच्चा तो गए बच्चा तो उसना तुम कहाँ गई थी मैं एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई गई थी और मुझे पता था फ्लाइट्स बंद हो रही हैं सो आई हैड टू गो देयर ऑन द लास्ट फ्लाइट जो आखिरी रिटर्न फ्लाइट थी उस पे मैं वापस आई शायस्ता कहाँ गई कोसमो है अच्छा रियली हां एक प्रोजेक्ट में भावलपुर में थी हां बस फिर वही वाला अली कहाँ गए मैं सिनेमा या तो ऑनवर्ड देखी थी मैंने वो लास्ट आउटिंग थी अब तो पता नहीं सिनेमा सिनेमा में ऑनवर्ड लगी हुई थी एनिमेटेड मूवी थी अच्छा इट वाज अमेजिंग हां चलिए हो गई आखिरी बार अच्छा अब जैसे अब मैं उसना फिर मैं बात करूं तो क्यों करी ऐसी बात क्या तुम बकरे के सारे जितने भी लाइक ऑर्गन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली जानती हो मतलब जितना मैं इंसानों के ऑर्गन्स के बारे में जानती हूं इंसान बकरा मतलब मैं ओके दिस इज रियली वेयर मैंने डॉक्टर साहब से भी ये पूछ के कॉल यू डॉक्टर साहब आई लाइक इट मैंने ये पूछी थी कि आपकी मेडिकल डिग्री है तो आपने कभी किसी कैडावर की ऑटोप्सी की है बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऑर्गन्स में मैं गूगल पे देखती रहती हूँ कि व्हाट डू आर लंग्स लुक आई नो इट्स रियली वेयर नहीं मैं इंसानों के ऑर्गन्स की बात नहीं कर रही ना बट इट्स बकरे के ऑर्गन्स की बात कर रही हाँ तो मैंने मतलब देखी मैं पता है ना तुम्हें आप लोगों को सबको पता है ना मतलब लाइक क्योंकि अब जो अगली एक्टिविटी है वो इसी से रिलेटेड है आपने पजल को आपने उस पजल को जोड़ना है ठीक है जो जो जहाँ जहाँ लगना है वो वहाँ वहाँ लगाना है ठीक है हाँ आई थिंक हो जाएगा मतलब काफी हाँ ये तो कसाई मैं तो कसाई ही थी पिछली ईद तक है ना हाँ जी तो अब ये बड़ी मजेदार एक्टिविटी तो मैंने आप लोगों से पहले ही पूछ लिया था कि सारे ऑर्गन्स के नाम पता है ना क्योंकि अगर नहीं पता होंगे तो आप लोग फिर सही गाइड नहीं कर सकते अब आपके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे ऑर्गन्स है सारे रखे हुए ऐसे नहीं कर सकते ना क्या नहीं ऐसे नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने इनको गाइड करना है कि इन ऑर्गन्स को कहाँ जाके फिक्स करना है हर बोर्ड के ऊपर उस ऑर्गन की हेडिंग है ठीक है आपने देख देख के आगे जाके देख लेना सईफा कि वो आगे वाला जो बोर्ड है वो कौन सा है आपका टाइम शुरू होता है अब सीधी सीधा सीधा है नहीं नहीं हां इधर मुड़े राइट राइट मुड़ जे राइट राइट अंग्रेजी नहीं है ओ ये पेपर ओ अंग्रेजी है Right, 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 right,
दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी ओके चार ऑर्गन्स इन्होंने सही से फिक्स कर दिए अब बारी है कराची वालों की आपका टाइम शुरू होता है अब ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी पाकिस्तान वैसे जब हम सब मिलते हैं आपस में तो दूसरी बातें ज़्यादा होती हैं ईद की बातें कुछ कम हो रही होती हैं क्योंकि हम बड़े बड़े दिनों बाद मिलते हैं अब हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम आम शोज़ पे आप लोगों को बुला सकें तो ईद पे हमें मौका मिलता है कि हम आपसे मुलाकात कर सकें और ऑब्वियसली कोरोना की वजह से बहुत दिनों से किसी दावत में भी नहीं मिले दावतें ही नहीं हो रही आप लोग क्या मिस कर रहे हैं अच्छा कोरोना की बात करते हैं ना कोरोना में शाइस्ता सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रही है यार खाना खाना जाना रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं हाँ और वो मजा नहीं आता ना आपने ऑर्डर देके मंगा लिया वो एक खाना तो बहाना भी होता है ठीक है उसमें एडिड होता है लेकिन आप बैठते हैं आप बात करते हैं सोशलाइजिंग बंद हो गई है बिल्कुल देखो हम लोग बहुत इसको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम मिले हम हग करते थे हम हाथ मिलाते थे बिल्कुल क्या हुआ मैं इजाज़त की बात कर रहा हूं तो ये बहुत जरूरी होता है यार हम खपती हो गए सारे लोग क्रेजी हो रहे हैं हम लोग है ना हाँ उसना क्या मिस करिए करूँगा जिम हाय वाकई और ट्रैवल और अकेले कर लेना मतलब लाइक यू हैव इट्स नॉट द सेम वो कर ही लेती हूँ कभी कभी लेकिन वो जिम की एनवायरनमेंट इक्विपमेंट वो एक फील ही और एडिक्शन क्या मिस कर रहे हैं जाज मैं जिम बहुत मिस कर रहा था लेकिन उसका मैंने अल्टरनेट निकाल लिया क्या है जल्दी से बताएं भाई घर पे सारा सिस्टम चीज़ें ऐसी आ गई हैं अब रेजिस्टेंट बैंड्स और उस तरह की चीज़ों से पूरा बॉडी वर्कआउट हो जाता है तो वो मैं बड़ा सेट हो गया एक स्पिन बाइक ले लिया लेकिन ट्रैवलिंग बहुत मिस कर फैसल क्या मिस कर रहे हैं मैं ट्रैवलिंग बहुत मिस कर रहा हूं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं और सैफा तुम क्या मिस कर ट्रैवलिंग मिस कर रही हो मैं दोस्तों को गले लगाना मिस कर रही हूं हाय वही वाली बात मतलब वो है ही नहीं अभी भी शूट के बाद भी जब घर जाते हैं तो वी मेक श्योर कि पहले जो घर का सबसे पहला कमरा या बाथरूम है वहां पे आप पहले चेंज करें सब कुछ तो मुझे लगता है कि वो हमने वाकई में बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था अब ये मिलना तो नहीं है एक और नहीं यार वो दाढ़ गीली करने वाली बात ये क्या है मतलब लाइक तो आप क्या मिस कर रहे हैं अली मैं सिनेमा ज्यादा मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा डाइनिंग आउट मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा और ट्रैवलिंग जो हर साल हम सारे वही एक ही चीज जिम है ऑब्वियसली हम मिस कर रहे हैं ट्रैवलिंग है बाहर खाना है दोस्तों से मिलना है मेरे साथ ये हुआ कि मेरी शादी के 21वें दिन मैं अपने सेट पे आ गई थी काम करने के लिए और मैं कराची थी तो 2.5 साल के बाद क्वारंटीन कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज थी कि मेरा तो मुझे तो पता चला कि अच्छा मैंने और खजर ने मैक्सिमम जो टाइम इकट्ठे गुजारा है वो इस क्वारंटीन में गुजारा है हमने आज तक इकट्ठे 20-22 दिन से ऊपर गुजारे ही नहीं थे बिकॉज आई वाज वर्किंग आई वाज ट्रैवलिंग तो फॉर मी मैं तो कहूंगी कि
मेरा तो बहुत अच्छा था क्वालिटी, आई वाज होम. हम तो लाइक जब हम हमें कोरोना हुआ था तब तो हमने 14 दिन एक साथ गुजारे और हमने कहा है पता नहीं क्या होगा, किसी का हाथ नहीं रहेगा, किसी का पैर नहीं रहेगा, क्या होगा 14 दिन. लेकिन आपको तो यकीन ही नहीं था कि आपको है. हाँ मुझे तो मुझे कुछ सिम्टम नहीं थे. मुझे शो पे बुला रही थी और सबसे ज्यादा बुला रही थी आपको. हाँ लेकिन आज मैं तुम्हारा 1-to-1 इंटरव्यू करूंगी. मुझे एसिम्प्टोमेटिक थी और रिसर्च ये कहती है एसिम्प्टोमेटिक जो कंटेजियस नहीं होता. अब इसी चीज के साथ हमें जीना सीखना है. इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है. ओके जी, यहाँ आपको करना ये है कि ये गाय का चारा है जिसे आपने टहलाते हुए इस चारे को इसके पेट में भरना है, खिलाना है, ठीक है. आप तीनों में से कोई एक शख्स ऐसा होगा जो गाय को इसी चारे के इर्द गिर्द घुमाएगा और उसने रुकना नहीं है, और आपने इस बेलचे से ये जो चारा है वो उसके पेट में डालना है. जिसने गाय का पेट पहले भर दिया वो होगा इस गेम का विनर. तो आपका टाइम शुरू होता है अब. मूविंग गाय. ओ दिल वेख वेख के कुड़दाए सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाए सारा लोर तेरे ते मर्दानी. दिल वेख वेख के कुड़दाए सारा लोर तेरे ते मर्दानी, लग पतला तेरा बल खावे दिल में तेरा ते डूबता जावे, जद लोग मरे लश्कारा तेरे सोने मुख दा. मैं दिस मेरे दीरानिया तू लौर लौर क्यों करता है, मैं दिस मेरे दीरानिया तू लौर लौर क्यों करता है. दिल वेख वेख के कुड़दा है सारा लौर तेरे ते मर्दानी, बहुत गिरा हुआ या इनके पास ज्यादा था. ये भी आप देख लें, टीवी पे देख लें, क्लियर है. आपके पास ज्यादा था ना चारा, हमारे पास इतना था, हम तो बहुत पहले खत्म कर चुके हैं. आप लोगों के नीचे बात हो रही है. यहाँ से आई एनर्जी, चीटिंग के बगैर भी कोई गेम गेम है. लेकिन लेकिन जीत चुका है इस वक्त एक दफा फिर लाहौर. अब जरा ईद की बातें करते हैं हम. बारबेक्यू कौन अच्छा करता है आप सब में से? लाइक मुझे तो बड़ा शौक है, एक्सपर्ट होता है बारबेक्यू. मुझे बड़ा शौक है, मैं बड़ा अच्छे तरीके से पता है कोयला कितना देर में रख, कितना हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं ताकि जल ना जाए, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाता हूँ ताकि. तो घर में जब बारबेक्यू होता है तो एजाज जो है वो मैं ही करता हूँ सब, कोयला जलाने से लेके पकाने तक का सिस्टम. तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारी तो अम्मी अब्बू वगैरह सब, अम्मी और बहने वगैरह दो भाई भाई बारबेक्यू भाई भाई. बट इस वक्त आपने बारबेक्यू कह रहे हैं, बीच आ गई है. बीच आ गया तुम्हारे ज़हन में? बीच, बारबेक्यूज, ग्रिल. चलो कोई बात नहीं, सोच के इंशाल्लाह अगले साल की इंशाल्लाह. बारबेक्यू खाने का बहुत शौक है लेकिन बनाने बनाने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि मुझे वो जस्टिंग वो जो कपड़े उसके बराबर में खड़े होके वो बहुत वो लगता है कि आप पता नहीं बरसों से यही काम कर रहे हैं. कोयले की वो एक चिंगारियां, चिंगारी नहीं यार, उसकी खुशबू आपके बालों तक में चली जाती है. आना पड़ता है उसके बाद. वो तो आप बंस रोड के करीब से चलें तो आपके बाल. इसको बंस रोड भी याद आ रहा है, मुझे तो मीरठ याद आ रहा है. धागा कबाब पूरी क्या. हम फ्रेंड्स करते थे बारबेक्यू, वो तो हर साल बड़ा जरूरी है छत पे. हमने दम पोख भी किया एक दफा. आप खुद करते हैं बारबेक्यू? बारबेक्यू हाँ. मसाले भी लगाते हैं कभी? हाँ मसाले तो खुद ही बना के लगाते हैं. वाह भाई. तो वो मजा उसका वही आता है बारबेक्यू. लेकिन मुझे ज्यादा बारबेक्यू से ज्यादा मुझे स्टेक ज्यादा पसंद है, तो मैं वो जरा कोशिश करता हूँ कि मैं वो बनाऊं. ग्रिल करते हैं? ग्रिल करता हूँ. सैफा तुम्हारे घर में? मेरे अब्बू करते हैं बारबेक्यू. एक्सपर्ट है क्योंकि ओमान में रहते हैं वो और मैं भी थी वहाँ पे पहले. तो हम एवरी थर्सडे नाइट हम लोग बीच पे ही खाना खाते थे. और हमारी वो एक गाड़ी में एक पूरी चीजें थी जो सेट थी. और
और वो मैरिनेट हो जाता था एक दिन पहले सब कुछ, तो मेरे अब्बू बारबेक्यू करते थे। इसके अब्बा को फोन पे बात की थी अम्मी से। हाँ, ये वो वीडियो कॉल कर रही थी, पश्तो में लगी हुई थी, मैंने कहा कौन है भाई, दिखाओ तो इसने अपनी अम्मी से। लेकिन मुझे इस कोरोना का ये दुख है कि मैं अपनी अम्मी को 1.5 साल हो गया नहीं मिल सकी, तो ये मेरी अम्मी के बगैर तीसरी या चौथी ईद है, तो वो मुझे लगता है ये प्लान था तुम्हारा अम्मी के पास, ये मेरा था कि अगर छोटी नहीं तो बड़ी ईद पे तो मैं जरूर जाऊंगी। अब छोटी पे था कि शायद बड़ी ईद तक चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ठीक हो रहा है, तो इट इज सैड। जी अली, कौन एक्सपर्ट? मेरे कजन्स नहीं, मेरे कजन्स हैं, हम लोग बाकी हम सारे ढीले हैं इस मामले, हम कहते हैं बस लेके आओ, खिला दो हमें, लेके आओ। मेरे कजन्स हैं, उनको शौक भी है, जब भी बारबेक्यू प्लान करते हैं तो वो लोग ही दे टेक चार्ज। इसका मतलब आपका, आपको खिलाने से ज्यादा खाने का शौक? मुझे तो बहुत, मैं तो शौक ही खाने का है मुझे। हाँ, तो लेकिन अभी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसमें खिलाने वाली एक्टिविटी है, खाने वाली नहीं है। आइए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, और लाहौर वाले ज्यादा खिला पाते हैं या कराची वाले? अब होता है ये, घर में तो हर कोई बारबेक्यू एक्सपर्ट होता है, लेकिन यहाँ कौन अपनी एक्सपर्टी दिखा रहा है? आपने करना ये कि इस, अभी रुक जाओ ना, क्या उन्होंने एक बना भी ली है? नहीं नहीं नहीं, ये सैंपल है, एक्चुअली ये सैंपल है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये सैंपल है, सुनो ना, उधर उधर देखो, सही बात, सैंपल सैंपल है ये, गोश्त की बोटी, फिर इतना बड़ा कोई वेजिटेबल, फिर गोश्त की बोटी, फिर कोई वेजिटेबल, करेला नहीं, खीरा, ठीक है। इस तरह आपने सीख सजानी है, और इसके बाद ये आपके आपके बैकग्राउंड में ये ईद, तीन फ्रूट और चार बोटियां, हाँ सही है ना, इस तरह ये सैंपल है, और ईद मुबारक के स्टिकर्स लगे हुए पीछे, उसके ऊपर ऐसे करके ना चिपका देनी है, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं करना, ये सीख के साथ चिपकानी है, ठीक है? और आप लाहौर और कराची में से जो पहले कर गया वो जीत गया, हम जीत गए, एक सीख वो बना ले जरा, मैं आपको ये सीख पकड़ा दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, मैं वो पूरा कर ले जरा, फिर मैं शुरू करूंगी। नहीं नहीं, वो बना रही है आपकी बेमानी, रुक जाए आप, रुके, ओके, ये देखो सैंपल ये है बहन, सैंपल ये है, उषा इधर तो देखो, ओके ये ले आप, रखिए, आपका टाइम शुरू होता है। आप सजन सोने तेरे हाथ से निगामा दे आसे पासे, नहीं लड़ना किसे आखे, न जावे दिल मेरा लेके, एक पल बही जाना, एक पल बही जाना, एक पल बही जा मेरे कोल, तो हंस के बोल न जिंदड़ी रोल, कभी ते दिल दे भर के खोल, मैं आन बोल नजर नो तोल, सरा दिल वाले गलती बोल, सब 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 स्टॉप भैया, कराची वाले जीत चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कराची वाले जीत चुके हैं। उष्णा, चल तुमसे शुरू करते हैं, ईद मैसेज। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग कुर्बानी जब ज़बह कर रहे होते हैं तो प्लीज़ एक जानवर को दूसरे के सामने मत ज़बह करें, बिकॉज़ ये बहुत टॉर्चर है और ये मना भी है। जब वो एक दूसरे को मरते हुए देखते हैं तो वो बहुत शौक में चले जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, खौफ होता है, तो प्लीज़ ज़रा दिल में रहम पैदा करके अपनी कुर्बानी। ईद मुबारक तो कह दो, और ईद मुबारक, हां भूल गई, ईद मुबारक जी एजाज भाई, सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। सोशल मीडिया के हवाले से बात करूंगा कि थोड़ा सा लोगों को इतनी जल्दी जज मत किया करें, बहुत नेगेटिव सारा माहौल हो गया सोशल मीडिया का, इससे पहले कि हमारी गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि बंद कर दिया जाए सोशल मीडिया, क्योंकि ये समझ के कि भाई लोग उसके लिए तैयार नहीं है अभी, थोड़ा सा हल्का पेशेंस। जी शाइस्ता, अब मेरा ख्याल है पेंडेमिक के लिए पाकिस्तान के बड़े बेहतर स्टैट्स हुए हैं रिसेंटली, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उसी तरह से मिलना मिलाना, बाज़ारों में जाना, जानवरों की अगर आपको लेने जाना है तो उसके, तो ये थोड़ी सी अभी एहतियात कर लें, आगे आने वाली ईदों के लिए इस वक्त थोड़ा सा दूर रह लें। मोहब्बतें दिल में होती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको इस तरह से ज़ाहिर किया जाए। एहतराम और ख्याल भी यही होता है, मोहब्बत का भी, मोहब्बत का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप दूसरे का एहतराम और ख्याल करें, तो इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली अच्छी ईदों के लिए हम इस ईद पर थोड़ा सब्र कर लें, एक दूसरे से दूर रहें। अली जी, मैं इजाज़ भाई की बात को ही सेकंड करूँगा कि प्लीज़ खुदारा आप लोग अकेले कुल नहीं है, बनने की कोशिश भी ना करें,
किसी के घर में क्या हो रहा है या कोई अपनी कैसी तस्वीर लगा रहा है, क्या लिख रहा है, आप अकलमंद बने अगर कोई स्टूपिड है, प्लीज़ आप दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखिए और बहुत बहुत ही दुआ। सईफा, आई थिंक एजाज मियाँ ने और सब ने एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर ली, तो अब मेरे पास कुछ ज़्यादा पीछे बचा नहीं है कहने के लिए, बट मैं इसी बात पे फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप में थोड़ी सी टॉलरेंस लाएँ, एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, प्लीज़ जजमेंट्स पे इतना जल्दी आप मत आएँ। आपको नहीं पता कि किसी की क्या जर्नी है और आप किसी को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि टॉलरेंस थोड़ी सी बर्दाश्त ले आएँ, बर्दाश्त काफ़ी चीज़ों को ठीक कर देती है। सो जस्ट ब्रिंग दैट। ईद मुबारक तो बोलो। ईद मुबारक जी, सबको याद दिलाना पड़ रहा है जी, इजाज़त से भी पहले बोल दिया। नहीं नहीं, ईद मुबारक। फैसल जी, आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड चल गया है, लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी करने के बजाय आप किसी की मदद कर लें। देखें, सुन्नत इब्राहिमी है, बींग अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है कि हम ये सुन्नत पूरी करें, जो अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है। ये ईद एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, लोगों की मदद बिल्कुल करें, मैं मना नहीं करता हूँ, बच्चों की शादियाँ करवाएं, सब करें जो कर सकते हैं, लेकिन अपने मज़हब से दूर मत करें, अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी। और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, खुदा के वास्ते गंद मत फैलाना सड़कों पर। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी। थैंक यू, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया इस वक्त पे शो करने के लिए, अपने फैंस को खुश करने के लिए आप लोग यहाँ आए सारे SOPs का ख्याल रखते हुए। तो मैं प्रोग्राम को एंड करने से पहले ये कहना चाहूँगी, जो फैसल ने कहा कि अब तो सफाई का ख्याल रख लो यार, मतलब इतनी सब चीज़ें हो गई दुनिया में, अब तो समझ जाओ कि गंदगी जो है ना उसको नहीं फैलाना है। तो शो के बाद रोना नहीं उछना, कि मुझे पता है बकरीद पे तुम रोती हो। हाँ, ये गई नहीं है तो रोना नहीं, हंसती रहना, क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को, अब आप सब लोगों ने बहुत सारे लोगों को खुश किया आज सुबह इस शो के ज़रिए। आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। ईद मुबारक पाकिस्तान, बहुत ख्याल रखिए अपना, मिलने जाएँ सिर्फ अपनी इमीडिएट फैमिली से, उनसे मिलने, और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो ना जाएं किसी से मिलने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सुन लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सुन लोर तेरे ते मर्दानी। वेख वेख के कुड़दाई सुन लोर तेरे ते मर्दानी, लग पतला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डूबता जावे, जद लोग मरे लशकारा तेरे सोने मुख दा। मैं दिस मेरे दीरानिया तू लोर लोर क्यों करता है मैं।